जी तो प्यारी सात संग जियो अपनी जगह पे विराजे बैठ जाएं। आज जो रूहानी जाम भी नहीं आई सात संगत अपना हाथ खड़ा करके बताएं, जो आज रूहानी जाम भी नहीं आए हैं जरा हाथ खड़ा कीजिए। तो साइडों में ज्यादा सात संगत है या सामने है तो वचनों में गलती ना करना, नारा लगा दें और हाथ नीचे कर लें। और ये रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम, बिगड़े बना देता है काम। सच्ची भावना श्रद्धा से कोई पी के जाप करे तो मिला देता है निज धाम। ये है रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। जिनकी भावना शुद्ध पवित्र होती है उसके बिगड़े बना देता है काम। ये है रूहानी जाम खुशियों का लेके आता है पैगाम। तो रूहानी जाम जब आप पियोगे पूरी श्रद्धा से भावना से, आपने रूहानी जाम पीना है मालिक को याद करके, भावना से जब आप पीते हैं तो उसका रहमो करम उसकी दया में रहमत बरसती है। सो रूहानी जाम शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना है, उस मालिक का शुक्राना करना है जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, सारी खलकत को बनाया हमारे लिए, रूहानी जाम दिया है। तो सबने मिलकर एक साथ नारा बोलना है, उस मालिक का शुक्राना करना। हाँ जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। जी तो कीजिए दोनों तरफ से रूहानी जाम शुरू। चलिए भाई, और देखते हैं पहले बहनें पिलाती हैं या भाई, जैसे रात प्रसाद सेवादारों में था तो बहनों ने नंबर लिया, और आज देखते हैं रूहानी जाम में कौन पहले पिलाता है तो पता चल जाएगा। ठीक, और प्यारी सत्संग जियो आज का वो दिन जब सचे मुर्शिद कामिल शास्त नाम शामस्तान दाता रहबर ने इस खाक नाचीज पे रहमो करम किया, परोपकार किया, तो ये महान परोपकार दिवस है। उस रहमो करम का बदला नहीं चुकाया जा सकता। जिसने फर्श को अर्श कर दिया, जिसने खाक को महारानी बनाया, उस रहबर ने, दया के सागर ने इस नाचीज को अपने रहने की जगह बनाया। सो उस मुर्शिद कामिल उस दाता के महान परोपकारों की गाथा कही नहीं जा सकती, लिख बोल के बताई नहीं जा सकती, बस भावना से, एक ख्यालों से उस परमपिता परमात्मा का कोटन कोट अरबों बार शुक्राना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं, सजदा करते हैं अपने मौला का, अपने रहबर का, जिसने दर्ज गिन के काबिल बनाया। यकीन आना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। तो उस मुर्शिद कामिल ने दर्ज गिन दिया, दर्ज गिन करके चलना सिखाया और कण कण में अपना रूप दिखाया। उस मुर्शिद कामिल को अरबों खरबों बार नमन। जो अपने मुर्शिद कामिल के लिए सच्ची भावना रखते हैं, दर्ज गिन रखते हैं, वो मालिक कदम कदम पे उन पे दया में रहमत बरसाते हैं, कोई कमी नहीं छोड़ते। सो प्यारी सत्संग जी, और रूहानी जाम पिलाया जा रहा है, आप पीते रहिए, बाकी बातें बाद में चलेंगी। सो आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद जो आप चल के आए हैं, और मालिक से यही दुआ है कि मालिक आपके अंदर भी वो तमाम बुराइयों का नाश करे, अवगुणों का वास करे और वो खुशियां दे जिसकी कल्पना भी शायद इंसान ने कभी ना की हो। बस वचनों पे रह के आप अमल करते जाइए, यकीनन वो अंदर बाहर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो अब जो प्रोग्राम है, काफी सारे अवार्ड दिए जाने हैं तो शुरू करते हैं। हाँ जी, चलो भाई करो शुरू। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, 23 सितंबर सन 1990 का दिन डेरा सच्चा सौदा के इतिहास में ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। इस पावन दिवस को परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज ने अपने आप को युवा स्वरूप में पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के रूप में दुनिया के सामने प्रकट किया। तो इस पावन महापरोपकार दिवस की सभी ने एक नारे के रूप में सतगुरु प्यारे पूज्य हजूर पिताजी को
बधाई देनी है जी। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, 23 सितंबर 1990 का दिन रविवार को परम पूजनीय शहनशाहों के शहनशाह शास्त्रनाम जी महाराज ने देश भर से साध संगत को स्पेशल बुलाया और सबके सामने पूज्य हजूर पिताजी को गुरु गद्दी पर विराजमान किया और अपना हुक्मनामा फरमाया, जिसे सारी संगत को पढ़कर सुनाया गया, जो इस प्रकार है कि जो भी जीव इनसे यानी पूज्य हजूर पिताजी से प्रेम करेगा वो मानो हमसे यानी परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज से प्रेम करता है, जो जीव इनका हुक्म मानेगा वो मानो हमारा हुक्म मानता है, जो जीव इन पर विश्वास करेगा वो मानो हम पर विश्वास करता है, जो इनसे भेदभाव करेगा वो मानो हमसे भेदभाव करता है। यह रूहानी दौलत किसी बाहरी दिखावे पर बख्शीश नहीं की जाती, इस रूहानी दौलत के लिए वो बर्तन पहले से ही तैयार होता है जिसे सतगुरु अपनी नजर मेहर से पूर्ण करता है और अपनी नजर मेहर से उससे वो काम लेता है जिसके लिए दुनिया वाले सोच भी नहीं सकते। जैसे किसी फकीर के वचन है, बिच शराबे रंग मुसल्ला जे मुर्शिद फरमावे, वाकिफ कार कदीमी हुंदा गलती कदी न खावे। यह सब पहले आपके सामने हुआ, शहनशाह मस्ताना जी ने जो खेल खेला उस वक्त किसी के भी समझ नहीं आया, जो बख्शीश शहनशाह मस्ताना जी ने अपनी दया मेहर से की उसको दुनिया की कोई भी ताकत हिला डुला न सकी। जो जीव सतगुरु के वचन पर भरोसा करेगा वो सुख पाएगा, मन आपको मित्र बनकर धोखा देगा, इसलिए जो प्रेमी सतगुरु का वचन सामने रखेगा मन से वो ही बच सकेगा और सतगुरु उसके सदा अंग संग रहेगा। परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज ने साध संगत को फरमाया कि आज से हमने इन्हें यानी पूज्य हजूर पिताजी को अपना रूप बना लिया है और दोनों जहानों की तमाम दौलत इनकी झोली में डाल दी है, इन्हें ऐसा बब्बर शेर बना दिया है कि दुनिया की कोई भी ताकत इनकी तरफ उंगली नहीं उठा सकेगी, ये सभी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साध संगत की संभाल अब पहले से भी कई गुना ज्यादा होगी और सत्संग व सेवा का काम भी पहले से कई गुना बेहतर व तेजी से होगा। इस बाड़ी में हम खुद काम करेंगे, किसी ने घबराना नहीं और न ही किसी प्रकार का फिक्र करना है, हम हमेशा साध संगत के साथ हैं। ये वचन फरमाए। 15 परम पिताजी ने एक ही समय में दो शरीरों में काम किया, तब कई लोगों ने इसे आजमाकर भी देखा। एक बार किसी ने पूज्य हजूर पिताजी से किसी कार्य के लिए वचन करवाए, जब उसे पूज्य हजूर पिताजी के वचन अपने मन मुताबिक नहीं लगे तो उसने सोचा कि क्यों ना परम पिताजी से अकेले में मिल लूं, हो सकता है कोई और वचन कर दें। लेकिन रूहानी फकीरों के आगे चालाकियां नहीं चल सकती। परम पिताजी ने उस व्यक्ति को बिल्कुल वही वचन फरमाए जो पूज्य हजूर पिताजी ने फरमाए थे, एक एक अक्षर व अंदाज भी हूबहू हजूर पिताजी वाला देखकर वह प्रेमी भाई नतमस्तक हो गया। ऐसा एक दो के साथ नहीं, कई लोगों के साथ हुआ, क्योंकि परम पिताजी के वचन हैं, बदल दी मैं हकीकी नहीं, पैमाना बदलदा रहेंदा, सुराही बदल दी रहेंदी, मैं खाना बदलदा रहना। सतगुरु में कभी बदलाव नहीं आता, बदलाव आता है तो इंसान की सोच में, जो सतगुरु के बे इंतहा किए उपकारों को पल में ही भूल जाता है। आज घोर कलयुग का समय है, चारों ओर बुराई का बोलबाला है, फिर भी साध संगत करोड़ों की तादाद में और दिन दोगुनी रात चौगुनी बहुत तेज रफ्तार के साथ लगातार बढ़ रही है। ये सतगुरु की रहमत का प्रत्यक्ष प्रमाण है। धन्य है हमारा सतगुरु जो इस घोर कलयुग में भी अपनी रहमत द्वारा हमें अपने पावन चरणों में लगाए हुए हैं और हमें
मानवता भलाई के रास्ते पर चलाए हुए हैं और खुद ही हमें चलाकर आज हमें सम्मानित भी कर रहे हैं। इस बारे में बताएंगे डॉक्टर दिलावर जी इनसे। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रय। जो अवार्ड्स पूज्य पिताजी आज देने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है उपकारी योद्धा, यानी वो शूरवीर जो दीन दुखियों की मदद के लिए परमारथ करते हैं, आर्थिक तौर पर मदद करते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा परमार्थ में रहने वाले अग्रणी रहने वाले सेवादारों को पूज्य पिताजी सम्मानित करने जा रहे हैं। तीसरे स्थान पे एक बहन है जो किसी कारणवश कल नहीं आ पाई, ये हरियाणा से है पिंजोर, और ये बहन है बेलवंती। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सातंग जी, उपकारी योद्धा। पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर आपकी तालियां लगातार बजती रहनी चाहिए। और पूज्य पिताजी इस बहन को एमएससी सुप्रीम मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। और उपकारी योद्धा में पूरे विश्व में जिसने पहला स्थान हासिल किया है वो सद्ब्रह्मचारी सेवादार परमिंदर इंसा उर्फ काला भाऊ, उनके पापा ये सम्मान लेने के लिए आ रहे हैं श्री हरमीत सिंह जी। जोरदार तालियां देंगे स्वागत कीजिए उपकारी योद्धा। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। पूरे विश्व में पहला स्थान आप तालियों में कंजूसी ना बरते उपकारी योद्धा, तीन दुखियों की मदद के लिए परमारथ में सबसे पहले स्थान पर आए हैं। अब ट्रू पैशन यानी किसी की बुराइयां छुड़वाकर उसे मालिक की भक्ति के साथ जोड़कर गुरुमंत्र दिलवाना, यही सच्चा जुनून है। और इसमें जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो है राजस्थान के रावतसर से बहन प्रेमलता। जोरदार तालियों से उनका स्वागत हो जाए। ट्रू पैशन किसी की बुराइयां छुड़वाकर उसे मालिक की भक्ति के साथ जोड़ा। इनके लिए ट्रू पैशन। और अगली कैटेगरी जज्बाए सजदा, तन की सेवा। भाई इंसानियत की सेवा के जज्बे को सजदा यानी सलाम, जिसके अंदर इंसानियत की सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है ऐसे जज्बे को सजदा करते हैं, सलाम करते हैं। और जो पहले स्थान पे भाई आए हैं तन की सेवा में जज्बाए सजदा में, ये भाई जहां भी सत्संग वसवाई महाभियान और प्राकृतिक आपदाएं आती हैं खुद कनाते लगाते हैं, छायावान लगाने की सेवा करते हैं, बलिया भी लेकर आते हैं और घन जलाने की जी जान से सेवा करते हैं। ये भाई पंजाब के बठिंडा से बिंदर इंसान, जोरदार तालियां हो जाए छायावान समिति के सेवादार। पूज्य पिताजी शानदार एमएससी सुप्रीम मेडल देकर इस भाई को सम्मानित कर रहे हैं। तन की सेवा में पहला स्थान। अब अगली जो कैटेगरी जज्बाए सजदा, तन की सेवा बहने, इंसानियत की सेवा के जज्बे को सजदा यानी सलाम, जिनके अंदर इंसानियत की सेवा का जज्बा कूट कूट कर भरा है ऐसे जज्बे को सजदा व सलाम करते हैं। ये बहन लंगर घर में सारा दिन रात 20-21 घंटे सेवा करती है, संगत को लंगर छकाती है, तवियों को साफ करती है,
तवियों से राख इकट्ठा करती है, लंगर बनाने के लिए छटिया लेकर आती है। और ये बहन हरियाणा के अंबाला से है, बहन है ओमवती इंसा। इनके जज्बे को सजदा, जोरदार तालियां हो जाए इन बहन के लिए। क्या जज्बा है इनका, मुज्जबिता जी शानदार एमएससी मेडल देकर इस बहन के जज्बे को प्रोत्साहित करते हुए। आप तालियां बजाएं। अब योद्धाएं सतगुर बहादुरी के कार्य, यानी सतगुर के वो शूरवीर योद्धा जो अपनी जान पर खेलकर अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाते हैं। और जो भाई पहले स्थान पर आए हैं, इस भाई ने एक व्यक्ति बिजली की तारों में फंसा हुआ था जिसको बचाने के लिए कोई भी आगे नहीं आ रहा था, तभी इस प्रेमी भाई को पता लगा और इन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सतगुर का नारा लगाकर उस व्यक्ति को बिजली की तारों से जिंदा बचा लिया। और ये भाई हरियाणा के गंगवा से अश्विनी इंसान योद्धा है सतगुर। शानदार चमचमाता एमएससी सुप्रीम मेडल इस भाई को दे रहे हैं। अब वीरांगनाएं सतगुर, सतगुर की वो बहादुर बेटियां जो अपनी जान की परवाह न करते हुए दूसरों की जान बचाती हैं। सच और झूठ की लड़ाई में असामाजिक तत्वों से लोहा लेने से भी नहीं कतराती। ये बहन जो पहले स्थान पर आई है, इस बहन ने 3-4 घंटे से कुई में गिरी हुई एक भैंस को किसी ने जब नहीं निकाला और जब बहन को पता लगा तो वह शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग की वर्दी पहनकर आई। उसने 2-4 बहनों को फोन किया, वह खुद वहां जाकर सबको पीछे कर खुद मिट्टी हटाने लग गए। वह इसको देखकर 3-4 नौजवान लड़के भी साथ में आ गए, वह भैंस को बाहर निकाला। और ये बहन है हरियाणा के महेंद्रगढ़ से बहन बिमला इंसान, वीरांगनाएं सतगुर, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और जो अगली कैटेगरी है 18 साल से कम बच्चों को बहादुरी के कार्य, और जो भाई इसमें पहले स्थान पर आए हैं, उन्होंने 2012 में ब्लॉक नन नगरी स्थित सरकारी स्कूल में कुछ बच्चे पटाखे जला रहे थे, जिनमें से एक बच्चे की जेब में पटाखे पड़े थे। अचानक पटाखों में आग लग गई, उसके कपड़े व जांघ दोनों जल गए। इतने में तरुण जो लड़का है, इसकी आयु सिर्फ 13 वर्ष की है, उसने उस लड़के के कपड़ों की आग बुझाई व अध्यापकों की मदद से उसे अस्पताल तक पहुंचाया। और ये दिल्ली के तरुण इंसान जिनकी उम्र मात्र 13 साल है, योद्धा है सतगुर, बहादुरी का कार्य। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां। योद्धाए सतगुर ग्रुप, वो बहादुर सेवादार जिन्होंने दूसरों की जान बचाने के लिए अपने शरीर तो क्या अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। ऐसे शूरवीर बहादुरों के ग्रुप को पूज्य बिटाई सम्मानित करने जा रहे हैं। और जो पहले स्थान पर आया है पूरे विश्व में, उसका ब्यौरा आपको बता दें, काशी उत्तराखंड में आई बाढ़ के कारण एक व्यक्ति अपने पशुओं के साथ पानी में फंस गया। पानी की धार बहुत तेज थी, सेना के जवान भी उस धार को पार नहीं कर सके। तभी शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के इन 3 जाबाज सेवादारों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में घुस गए और 16 घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद
उस व्यक्ति व उसके पशुओं की जान बचाए। इस बहादुरी के लिए प्रशासन व आर्मी के सीओ की तरफ से भी इस भाई को सम्मानित किया, इस ग्रुप को सम्मानित किया गया है। और इनका जो राज्य है वो उत्तराखंड, अमरजीत इंसा, दिलीप इंसा, अशोक इंसा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अब जोरदार तालियां इंसान के लिए जो चाहे सब कुछ। अब अगली कैटेगरी सत्य योद्धा, वो सद्ब्रह्मचारी सेवादार जो बड़ी उम्र में सद्ब्रह्मचारी बनकर अपने सद्गुरु के वचनों पर अमल करते हुए व सेवा करते हुए मालिक के चरणों में ओर निभागे। उनके परिवार के सदस्यों को पूज्य पिताजी गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। सबसे पहले सद्ब्रह्मचारी जो थे वो मोहनलाल जी, इनके लिए आप तालियां जोरदार बजाते रहिए। इनके परिवार से एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। दूसरे सद्ब्रह्मचारी जो थे वो बहादुर सिंह जी, इनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए पूरा का पूरा। इन्होंने जीवन का ब्रह्मचारी बनने के बाद अपने सद्गुरु के वचनों पर अमल करते हुए मालिक की चरणों में ओर निभा गए। और अब अगले जो सद्ब्रह्मचारी थे वो रामेश्वर कुटी, इनके परिवार से एक बहन ये अवार्ड लेने के लिए आई है। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। बड़ी उम्र में सद्ब्रह्मचारी बने और सद्गुरु के वचनों पर अमल करते हुए वह सेवा करते हुए मालिक के चरणों में ओर निभा गए। अगले जो सद्ब्रह्मचारी थे वो मुख्तार सिंह जी, इनके परिवार से भी एक बहन ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रही है। इनके लिए जोरदार तालियां। और अगले जो सद्ब्रह्मचारी थे सुखविंदर जी, इनके परिवार से भी एक बहन ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रही है। जोरदार तालियां हो जाए। और अगली जो कैटेगरी है सत्य योद्धा, जो सद्ब्रह्मचारी बचपन व जवानी में सद्ब्रह्मचारी बनकर अपने सद्गुरु के वचन मानकर सेवा करके सद्गुरु के चरणों में ओर निभा गए, पूज्य पिताजी उनके परिवारों को सुप्रीम एमएसजी डायमंड। जी प्यारी सत्संग जीओ, पहले तो इस कलयुग में काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकार मनमाया त्याग के सारी सृष्टि के लिए सत्य ब्रह्मचारी गुरु ब्रह्मचारी बनना अपने आप में बेमिसाल है। त्रिलोकी क्या दोनों जहां में ऐसी जिंदगी नहीं होती, आत्मा के लिए सोचे भी नहीं जा सकता। और फिर वो वैसी लगाई वैसी ओढ़ निभागे चले जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इनमें कई भाई ऐसे थे जो बड़ी उम्र में आए, बाल बच्चे भी हैं उनके, लेकिन फिर भी उन्होंने वो त्याग के और बाद में यहां रहे। और उनके लिए सत्य भक्त योद्धा जो जवानी से आए बचपन से आए और वो ओर निभा गए, तो उनके लिए सिरमौरे सत्य योद्धा एक नाम दिया गया है कि जो अपने आप में बेमिसाल है कि कोई बचपन से सारा कुछ ही मालिक के लेखे लगा दे, सारे संसार के लेखे लगा दे, अपने सुख सुविधा की परवाह ना करता हुआ आगे बढ़ता चला जाए, तो ऐसे लोगों की कैटेगरी अब आएगी। हाँ बोलिए भाई। जो अगली कैटेगरी है वो सिरमौर ए सत्य योद्धा, जो सद्ब्रह्मचारी बचपन व जवानी में सद्ब्रह्मचारी बनकर अपने सद्गुरु के वचन मानकर सेवा करके सद्गुरु के वचनों के वजह से ओर निभा गए, पूज्य पिताजी उनके परिवारों को सुप्रीम
एमएसजी डायमंड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। सबसे पहले दादू बागड़ी, इनके परिवार से एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। सिरमौरे सत्य योद्धा, रामपुरिया हिसार से। तालियां आपके लगातार बजती रहनी चाहिए। अगले जो सत्कर्मचारी भाई थे वो रामचंद्र करंडी से, जो बचपन से ही सत्कर्मचारी यहां पर रहे, उनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान ये नहीं आ पाए। अगले जो सत्कर्मचारी थे वो लक्ष्मण दासी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। इनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। और जो अगले सत्कर्मचारी थे वो महेंद्र सिंह पाठी, भाई रूपा से, इनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान हासिल करने आ रहे हैं, एमएससी सुप्रीम डायमंड मेडल। अगले जो सत्कर्मचारी बहन थे वो बहन जितेंद्र श्री गंगानगर, इनके परिवार से एक भाई यहां पर ये सम्मान हासिल करने आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। और अगले जो सत्कर्मचारी बहन थे ये सुखविंदर जी, इनके परिवार से एक भाई ये अवार्ड हासिल करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां आप लगातार बजाते रहिए। सिरमौरे सत्य योद्धा, डायमंड मेडल, एमएलजी सुप्रीम डायमंड मेडल। अगले जो सत्कर्मचारी थे वो नरेंद्र जी, इनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। नरेंद्र जी जो कि शास्त्र नाम की नगर से, इनके लिए छोटा तालियां हो जाए। एमएससी सुप्रीम डायमंड मेडल, सिरमौरे सत्य योद्धा। और जो अगले सत्कर्मचारी थे वो मक्खन सिंह श्री जलालाना साहेब, उनके परिवार से एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। एमएससी सुप्रीम डायमंड मेडल। और जो अगले सत्कर्मचारी भाई थे लाभ सिंह जी, इनके परिवार से भी भाई एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। सिरमौरे सत्य योद्धा। अगले जो सत्कर्मचारी थे वो श्री मुकुंद सिंह, इनके परिवार से भी एक भाई ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। अगले जो सत्कर्मचारी थे श्री लीला राम जी, इनके परिवार से एक बहन ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। विजय पिताजी शानदार एमबेसी डायमंड मेडल देकर इस बहन को सम्मानित कर रहे हैं।
अगले जो सदब्रह्मचारी थे वो गुरमीत सिंह, इनके परिवार से भी एक बहन ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं जो कि मलोट से थे। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। एमएससी सुप्रीम डायमंड मेडल सिरमौरे सत्ते योद्धा, यानी वो सुप्रह्मचारी जो बचपन में जवानी से अपने मालिक के चरणों में आए और पावन वचनों पर अमल कमाते हुए और निभा गए। और अगले जो सुब्रह्मचारी थे श्री रोशन लाल जी, इनके परिवार से भी एक बहन ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। आप तालियां लगातार बजाते रहिए। रोशन लाल जी सुचान कोटली, सिरमौरे सत्य योद्धा, एमएसजी सुप्रीम डायमंड मेडल। दे रखा है सो उनका रहमो कर। जो भी नागी आश्रम की तरफ से, आश्रम बेबरवा जी का है, हम तो एक नौकर हैं, लेकिन नौकर को भी सतगुरु ने इतना बख्श रखा है कि हजारों की परवरिश करवा सकते हैं। सो इनको जो भी जरूरत होगी, जो भी खर्चा होगा, वो हम अपनी तरफ से ही करेंगे। जो भी इनको सामान चाहिए होगा पूरी जिंदगी के लिए, एक दो दिन के लिए नहीं, तो वो हम अपनी तरफ से इनका करेंगे। करवाने वाला सतगुरु है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, उनके दिए में से ही इनको देना है। हमारे पास अपना कौन सा कुछ है, सब शरीर उनका है, सब कुछ उनका है। जी एक बार फिर 14 तालियां हो जाए पूज्य बिना जी के उपकार के लिए। और जो अगले भाई आ रहे हैं ये आजाद हिंद फौज के शेर सिंह महराणा की गाइडलाइन में 1946 से 1948 के दौरान बिलासपुर रियासत के राजा की तानाशाही के खिलाफ लड़े ये भाई आपधानी घाट बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से हैं। और ये भाई हैं, इनकी उम्र है 84 वर्ष, ये हैं रणजीत सिंह गुल्लेरिया। इनके लिए जोरदार तालियां। इस भाई को, स्वतंत्रता सेनानी को पूज्य पिताजी प्रशंसा पत्र वे गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और जो अगले भाई आ रहे हैं सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी, जिस कारण 1946 से 1948 के मध्य रियासत से ये बाहर रहे और रियासत की पुलिस द्वारा जो यातनाएं दी गई इनको भी सहा। ये भाई हैं कुठेड़ा बिलासपुर हिमाचल से, जिनकी आयु है 88 वर्ष, डंडू राम जी। जोरदार तालियां। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए स्वतंत्रता सेनानी। प्रशंसा पत्र गोल्ड मेडल देकर विजय पिताई सम्मानित कर रहे हैं। और जो अगले भाई आ रहे हैं इनकी उम्र है 92 वर्ष, बिलासपुर प्रजामंडल में सक्रिय रहे, 2 वर्ष तक भूमिगत रहे और यातनाएं सहे। ये भाई हैं चंद्रपुर बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से कृपा राम जी, स्वतंत्रता सेनानी पूज्य पिताजी ने एक प्रशंसा पत्र व गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। और हाथ मिलाते हुए अपने रहबर को सैल्यूट किया और हाथ मिलाया। जोरदार तालियां।
अगले जो भाई आ रहे हैं इनकी उम्र है 92 वर्ष। ये आजाद हिंद फौज में 1941 में भर्ती हुए, एक महीना मुल्तान जेल में रहे, 2 महीना जमशेदपुर जेल में रहे। इनको पेंशन 1972 से मिल रही है और इन्होंने सभी लड़ाइयों में हिस्सा लिया। ये मंडी आदमपुर हिसार हरियाणा से रामजी लाल, जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। स्वतंत्रता सेनानी इनको पूछिए पिताजी, इनके इस कार्य के लिए सम्मानित करते हुए। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और अपने ड्राइवर से ये सम्मान पाकर भावुक उठे हैं ये भाई, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और ताली में कंजूसी ना बरते, लगातार बजाते रहिए। और जो अगली कैटेगरी है, समाज के कर्मठ योद्धा, अब पूज्य पिताजी उन शख्सियतों को सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि व कौशल से समाज का भला किया। सबसे पहले जो भाई आ रहे हैं, इन्होंने प्राकृतिक रूप से कृषि की रिसर्च की है, जिससे हानिकारक वे जहरीले रसायनों के बिना कृषि कैसे संभव है ये बताया गया है। इन्हें अब्दुल कलाम जी की तरफ से प्रशंसा पत्र दिया गया है, लिम्का रिकॉर्ड की तरफ से इन्हें रिकॉर्ड मिला है, यूरोपियन सरकार की तरफ से अवार्ड अब मिलेगा। इसके अलावा भारत के राज्यों में से अवार्ड में सर्टिफिकेट कई मिल चुके हैं, कुल 32 बार सम्मानित हो चुके हैं। ये है ईश्वर सिंह जी कुंडू, जो कि हरियाणा से है, कैचर से। इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां। अब खेलों की दुनिया से 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए, इन भाई ने उन गेम्स में अगले जो भाई आ रहे हैं, शिक्षा व सामाजिक कार्यों के लिए इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। 2 बार राष्ट्रपति शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं और इंटरनेशनल अवार्ड भी इन्हें उज्बेकिस्तान में प्राप्त हुआ है। ये हेडमास्टर है, ये है हरियाणा से जय कुमार, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। बच्चे पिताजी ने प्रशंसा पत्र गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर रहे हैं। अगले जो भाई आ रहे हैं, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको कई बार सम्मानित किया जा चुका है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए वे आधुनिक मल्टीपर्पज फूड प्रोसेसिंग मशीन तैयार करने में इनको 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है जगाधरी हरियाणा से श्री धर्मवीर जी, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। पूज्य पिताजी इन्हें प्रशंसा पत्र मेडल देकर सम्मानित करते हुए
और अगले जो भाई आ रहे हैं, इन्होंने ऐसा यंत्र बनाया है जिसके लगाने से धुआं कम हो जाता है और तेल की 15% तक बचत होती है। यह यंत्र गाड़ियों में इंजन, चूल्हा या कहीं भी जहां यह तेल डलता है वहां लगाया जा सकता है। और 2012 में इनको यह सेड अवार्ड भी मिला है। ये प्रोफेशन से वैज्ञानिक है, ये कैथल हरियाणा से लक्ष्मण सिंह, इनके लिए 14 तालियां हो जाए। पूज्य पिताजी प्रशंसा पत्र पैमाना देकर इन्हें सम्मानित कर रहे। अगले जो बहन आ रहे हैं, माफ करना, जो अगले भाई आ रहे हैं, इन्होंने जनवरी 1990 में 12 जवान जो स्लाइडिंग बर्फ गिरने से नीचे दब गए थे 500 मीटर गहरी खाई में, इन्होंने बर्फ में मशाल जलाकर 12 जवानों को जिंदा वापस लेकर आए। इस बहादुरी कार्य के लिए इस फौजी भाई को चीफ ऑफ आर्मी से प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ है। ये कुला गदरपुर उत्तराखंड के धन सिंह, इनके लिए 14 तालियां हो जाए। इनके लिए। और अगले जो बहन आ रहे हैं, वो समाज सेवा कार्यों के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से 4 जुलाई 2013 को अभी सम्मानित हुए हैं। इन्हें समाज सेवा में सम्मान हासिल हुआ है। ये है हरियाणा से बहन सुमन। पूज्य पिताजी इस बहन को समाज सेवा के लिए एक प्रशंसा पत्र वह गोल्ड मेडल देकर सम्मानित कर रहे। और जो अगले बहन आ रहे हैं, इन्होंने 21 मई 2013 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय झंडा लहराकर पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन पूज्य पिताजी का नाम ये जपते रहे और कठिनाइयों का सामना करने की इनमें हिम्मत आ गई। बहन कांता रानी, 14 तालियां हो जाए इनके लिए। अब हुजूर पिताजी उन बहादुर सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को 25-25 हजार के चेक देकर सम्मानित कर रहे हैं, जिन वीरों ने देश की एकता, अखंडता, संप्रदा, देश के दुश्मनों से लड़ते हुए अपने प्राण निछावर कर दिए। सबसे पहले जम्मू कश्मीर सेक्टर गुरेर में घुसपैठियों से मुठभेड़ में ये भाई शहीद हुए, और ये नाहन हिमाचल से शहीद हवलदार पवन कुमार सैनी, इनकी पत्नी ये सम्मान 25,000 रुपए का चेक हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इनके लिए 14 तालियां। अगले जो भाई हैं, बारामूला में आतंकवादियों के साथ 100 घंटे ऑपरेशन चला, 2 आतंकवादी मारे गए और आतंकी की गोली से ये भाई भी शहीद हो गए। ये है पोंटा साहिब सिरमौर से शहीद शेर सिंह, इनके लिए 14 तालियां। इनके पत्नी ये सम्मान हासिल करने के लिए आ रहे हैं। पूज्य पिताजी 25-25 हजार का चेक देकर
इन बहन को सम्मानित करें। आपकी तालियों में कंजूसी ना हो, जोरदार तालियां लगाते बजाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की सत्संग जी, पूर्ण गुरु वो होता है जो रूहानी नहीं दुनिया के हर क्षेत्र की में भी अपने शिष्यों को निपुण बनाने का जिम्मा लेता है। पूज्य गुरु जी के रूप में परम पिताजी ने हमें ऐसे बब्बर शेर पापा दिए हैं जो सर्वकला संपूर्ण है। पूज्य पिताजी को अपने शिष्य की कुलों तक का भी फिक्र है, इसलिए पहले पूज्य पिताजी ने इस घोर कलयुग में अपने शिष्यों के बच्चों के रूहानी चरित्र को बनाए रखने के लिए स्कूल खोले, फिर उन्हें हर क्षेत्र में अव्वल आने के लिए हर सुविधा से लैस ग्राउंड, डाइट और अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर समझाया, जिसकी बदौलत आज इन स्कूल के बच्चों के लिए वर्ल्ड कप, एशिया कप जीतना आम सी बात हो गई है। सतगुरु की सत्संग जी, पूज्य पिताजी को यहां तक भी ख्याल रहता है, ख्याल रखते हैं कि उनके बच्चे मातृभाषा राष्ट्रभाषा तक ही सीमित न रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा यानी इंग्लिश में भी बेझिझक हर बात का जवाब दे सके। यही नहीं, पूज्य पिताजी इंटरनेशनल स्कूलों में विभिन्न विदेशी भाषाओं को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इसी के तहत पूज्य पिताजी ने स्कूलों व कॉलेजों में इंग्लिश स्पीकिंग व इंटरनेशनल स्कूलों में इंग्लिश व फ्रेंच स्पीकिंग के लिए कल दूसरे तीसरे व तीसरे स्थान पर आने वालों को सम्मानित किया था, और आज इसी कड़ी में पहले स्थान पर जो शिक्षण संस्थान आए हैं उन्हें पूज्य पिताजी सम्मानित करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। जी तो प्यारे सत्संग जियो, इन स्कूलों में कॉलेजों में बच्चे इंग्लिश जो वर्ल्ड लैंग्वेज है वो बोलें और तरक्की करें, आगे बढ़े, इसके लिए एक ट्रॉफियां रखी गई बच्चों को उत्साहित करने के लिए। तो सेंट एमेजी ग्लोरी स्कूल में इंग्लिश और फ्रेंच दोनों भाषाओं के लिए कल सेकंड जो ट्रॉफी है वो गर्ल स्कूल को मिली, और आज जो फर्स्ट ट्रॉफी है उसमें बच्चों ने जो इंग्लिश बोली है 55.4%, पर इनके टीचरों ने लाजवाब किया है, 66.5% टीचरों ने इंग्लिश पूरी बोली। तो इस तरह इनका ओवरऑल रहा 60.9 के करीब। तो ये है सेंट एमेजी ग्लोरियस इंटरनेशनल बॉयज स्कूल। तो इसके जिम्मेवार कुछ बच्चे और इनके प्रिंसिपल आ जाए। सत्संग जी हौसला अफजाई करिए, पहले नंबर पे आए हैं ये बच्चे, देख के जोरदार तालियां बजाएं। मुझे अजोर ताली अपने पावन कर कमलों द्वारा स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलावर जी जिम्मेवार बच्चों को अपने पावन कर कमलों से शानदार ट्रॉफी देकर सम्मानित कर रहे हैं जी। जोरदार तालियां जी। आशीर्वाद आशीर्वाद बेटा, चलो बेटा शाबाश, चलो आशीर्वाद, चलते चलो शाबाश शाबाश आशीर्वाद। इनके टीचर प्रिंसिपल बच्चे सब काबिले तारीफ, शाबाश बेटा, सबने ऐसा किया है और आगे कंपटीशन और कड़ा हो जाएगा। तो ये अभी अगर देखा जाए तो ये स्कूल बाद में शुरू हुआ है टीचरों के हिसाब से, उनके टीचर पहले से ही हैं गर्ल स्कूल में और इनके बहुत बाद में शुरू हुए, और फिर भी उनका 41% है टीचरों का बोलने का और इनका 66.5% है। तो एकदम से ये तरक्की कर गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो लड़कियां टीचर हैं उनको हम कहते हैं कि आप भाई हिम्मत करो, आप पहले से हैं और आपने पहले से पीछे रह गए, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। बातें बड़ी ऊंची दुकान फीका पकवान नहीं होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातों की बजाय रिजल्ट की तरफ अगर ध्यान दो तो हमें लगता है वो ज्यादा बेस्ट है। तो आगे से आप ध्यान दें इस तरफ और पूरा ख्याल करें। हाँ शुरू, तो
अब है जी शास्त्र जी स्कूल जो थे ये तो था इंटरनेशनल स्कूल, अब सीबीएसई बोर्ड के जो स्कूल हैं उनमें जो पहले नंबर पे आया है उसके हैं बच्चों ने जो इंग्लिश बोली 51.9%, और टीचरों ने जो इंग्लिश बोली है वो भी अच्छा है, उतना अच्छा नहीं लेकिन फिर भी 40%, इनमें बच्चों का ज्यादा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, और टीचर 40% है, तो इस तरह इनका ओवरऑल जो है वो 45.9% है। और ये स्कूल है शास्त्र रामजी गर्ल्स स्कूल सरसा, तो इनके जिम्मेदार आ जाएं, प्रिंसिपल आ जाएं, इनके प्रिंसिपल और जिम्मेदार आ जाएं, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये प्रिंसिपल और सब टीचर बच्चों की मेहनत है। आशीर्वाद जी बेटा इधर, जी आशीर्वाद बेटा, चले चले ऐसे चले जाए कोई बात, आशीर्वाद चले बेटा, शाबाश आशीर्वाद, आ जाए चले जाए बेटा, चलते चले शाबाश आशीर्वाद, जी आशीर्वाद बेटा। तो दूसरे स्कूल भी इनसे कंपटीशन करें, हालांकि ये स्कूल सबसे पहले खुला है और इसने नंबर भी पहला ही लिया है, तो बड़ी खुशी है, क्योंकि अगर जो पहले खुला हो वो पीछे रह जाए तो कमियां पता चलती हैं कि बहुत कमियां हैं, लेकिन जो पहले खुला और पहला ही नंबर ले जाए तो लगता है कि वो अव्वल है, तो इस स्कूल ने ये कर दिखाया। आगे देखो कंपटीशन कड़ा होता जाएगा, कैसे होता है, कॉलेज जो शास्त्र रामजी शिक्षण संस्थानों के कॉलेज हैं उनमें जो पहले नंबर पे आया है बच्चों का है 32.3% जो इंग्लिश बोले, लेकिन टीचर और लेक्चरर जो है वो 40.3%, इस तरह कुल मिला के 36.3%। हमें लगता है ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज में इंग्लिश वगैरह, क्योंकि बच्चे सारे ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं तो इतनी इंग्लिश बोलना भी बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे ख्याल से अच्छा है, इतना कह सकते हैं कि ठीक है बस। तो आगे से ये पूरा जोर लगाएं, और ये कॉलेज है सभी कॉलेजों को पछाड़ता हुआ, क्योंकि ये पहले खुला था और इसने भी वही बरकरार रखा है, और ये कॉलेज शास्त्र रामजी गर्ल्स कॉलेज सरसा, ये भी पहले खुला था और नंबर भी पहले ही ले गए, तो इनके प्रिंसिपल और बच्चे आ जाएं, इनके प्रिंसिपल और जिम्मेवार बच्चे जल्दी से आए। हाँ बच्चों इसमें हाथ लगा लें आपके, जी हाँ आशीर्वाद बेटा शाबाश, और आगे बढ़ो, सबको आशीर्वाद 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 बेटा शाबाश। और अब आपका कंपटीशन और कड़ा हो जाएगा, क्योंकि ट्रॉफी जब मिली है ये तो फर्स्ट टाइम है, अगली टाइम देखते हैं कौन आगे निकलता है। बहुत अच्छा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो आप जो पहले खुले थे तो वही फर्स्ट आए, बड़ी खुशी है, बहुत आशीर्वाद शाबाश बच्चों, जी बेटा आशीर्वाद आशीर्वाद, जी बेटा जी बेटा जी आशीर्वाद। और ये बहुत बड़ी बात है प्यारे सत्संग जियों, आज तो कॉलेजों के माहौल बहुत अजीबोगरीब हो ही गए होंगे, हम जब पढ़ा करते थे उस जमाने में भी कॉलेजों में जब कभी टूर्नामेंट होते या ऐसे होते तो लेक्चरर बच्चों से डरा करते थे कि नहीं भाई ये फलां बच्चा आ गया फलां आ गया, बच के रहो। तो आज हमें बड़ा फख्र है और गर्व है कि हमारे चाहे वो लड़के हैं कॉलेज के चाहे लड़कियां हैं, इनमें इतने कायदा है, इतनी इनमें सभ्यता है कि अपने माँ बाप के पांव के हाथ लगाते हैं, अपने टीचर लेक्चरर जो हैं उनकी बात मानते हैं, और सबसे बड़ी बात अपने पीर फकीर को बहुत सम्मान देते हैं, और तभी शायद ये लोग बहुत तरक्की हासिल कर रहे हैं। बे इंतहा प्यार एज ए फादर से भी बढ़ के, एक माँ और बाप दोनों से जो मिक्स प्यार होता है वो हमसे प्यार करते हैं। ये कॉलेज के बच्चे स्कूल के बच्चे जो अपने आप में बेमिसाल बात है, इस घोर कलयुग में रूहानियत की बात को ये लोग माने ये अपने आप में बेमिसाल है, वरना कॉलेज के बच्चे या स्कूल के बच्चे तो फिल्में देख ली, गुंडागर्दी नशा कर लिया ये वो फला, और ये ज्यादातर हमें लगता है, हमने तो बोला कि 100% दूर रहो, तो इनमें लड़कियों में तो खास करके देखा गया कि इन बुराइयों से 100%, और लड़कों में लगभग ऐसा लग रहा है। तो बहुत खुशी है हमें कि हमारे ये बच्चे बुलंदियों को छू रहे हैं, और नई नई इनके लिए ट्रॉफियां रखेंगे ताकि बुलंदियों को और छुएं, इनके लिए ट्रॉफियों का नया नया रखा जाएगा कंपटीशन। तो बहुत आशीर्वाद जी, चलो भाई आगे चलो।
धन धन सदगुरु तेरे ही आसरा। पूज्य पिताजी जितने भी स्कूलों के प्रिंसिपल्स हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, उन्होंने यहाँ रिटर्न में स्टेटमेंट दी है कि इंग्लिश के बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता था, आप जी ने उन्हें मोटिवेट किया, गांव से आए हैं और अब जो बच्चे बाहर जाके जो पिताजी वहां पर काम कर रहे हैं, जो आप जी ने वचन फरमाए थे आज उनके काम आ रहे हैं पिताजी, और आप जी ने सिखाया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शासक नाम से शिक्षण संस्थान पूज्य पिताजी की दया मेहर से पूरी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। खेल जगत, शिक्षा व को करिकुलर एक्टिविटीज में यह संस्थान अब सबसे आगे हैं। शासक नाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा पहले से ही पूज्य पिताजी की दया मेहर से विश्व के मानचित्र पर छाया हुआ है। 3 बार स्केटिंग एशियन चैंपियनशिप, 2 बार योगा वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल की झड़ी, 1 बार थ्रोबॉल वर्ल्ड कप, एशियन जूडो एंड नेटबॉल में मेडल्स, और शिक्षा में भी सीबीएसई में टॉप 10 में शासक नाम जी गर्ल्स स्कूल के बच्चों की लंबी कतार है। और इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार में भी यहां के बच्चों ने शानदार एंट्री की। ये सब हुआ पूज्य पिताजी की दया मेहर से। किसने सोचा था कि इतने कम समय में ये स्कूल इतनी आगे चले जाएंगे, लेकिन पूज्य पिताजी के मार्गदर्शन ने ये कर दिखाया। अब शिक्षा जगत ने भी इस बात पर अपनी मोहर लगा दी है। मशहूर पत्रिका एजुकेशनल वर्ल्ड ने पूरे भारत के स्कूलों का सर्वे कराया, लगभग 7500 स्कूल, और शहादत नाम जी गर्ल्स स्कूल सिरसा को गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल में बहुत पहले से स्थापित व मशहूर स्कूलों को पछाड़ते हुए पूरे भारत में 9वां स्थान हासिल हुआ है। जोरदार तालियां हो जाए। और हरियाणा में 2रा स्थान। और सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, अभी थोड़े समय पहले ही स्थापित हुए सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल को भी शिक्षा जगत में इस स्कूल ने भी धूम मचा दी है। अभी तक पहले से ही स्कूल को 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं। कई स्थापित स्कूलों को पछाड़ते हुए अब सेंट एमएसजी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल, जो कि सर्वे लगभग 7500 स्कूलों पे एजुकेशनल वर्ल्ड मैगजीन ने किया था, जो कि प्रतिष्ठित मैगजीन है, ये स्कूल भी भारत में 27वें नंबर और हरियाणा में 2रे नंबर पे आ चुका है। कोएड रेजिडेंशियल स्कूल। और इन स्कूलों का पूर्व का पूरा क्रेडिट पूज्य पिताजी को जाता है। शिक्षा के साथ साथ पूज्य पिताजी ने शहादत नाम जी शिक्षण संस्थानों को इंसानियत व परमार्थ का पाठ भी बखूबी पढ़ाया है। जब भी कोई मुझे जी, प्यारी सत्संग जी, हम बीच में थोड़ा बोलना चाहेंगे इन बच्चों के बारे में। इनमें ये बच्चे तो हैं ही हैं, बॉयज स्कूल के बच्चे भी हैं, तो इनमें हमने देखा, हमने इनको शिक्षा दी जब ये 94 या 96 में ये स्कूल बने कि बेटा बड़ों का सत्कार करो, माँ बाप आए या कोई आपके स्कूल का एजुकेशन का कोई बड़ा ऑफिसर आता है तो आप पांव को छुएं, सत्कार करें, झुकें, ये हमारी संस्कृति है, इसको गायब नहीं होने देना। तो कॉलेज में एक डीन आए वो चेक करने के लिए एज ए राउंड या कुछ भी, तो आए और जैसे ही स्कूल कॉलेज में एंटर हुए तो बच्चों ने लड़कियों ने पांव के हाथ लगाया, ऐसे सत्कार करना शुरू किया, वो रुक गए, कहने लगे ये कोई दुनिया और है, मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया।
उनके वर्ड थे ये, या तो कोई और वर्ड है ये, कोई दुनिया ही और है, या फिर मेरे दिमाग में कोई फर्क पड़ गया। आज के युग में और हमारे पांव के हाथ, हमें तो कोई पीछे गंजू कहता है, कोई मोटू कहता है, कोई कुछ बोलता है, मजाक उड़ाते हैं, सामने हंसते हुए गुजर जाते हैं, हमने क्या तेरे से दाढ़ लेनी है। तो मतलब कि ये सत्कार और ये बच्चे मानते हैं तभी हो पाता है। फकीर का काम तो बताना है। इनको बोला गया कि बेटा आप नकल मत किया करो, चीटिंग नहीं करनी, नकल नहीं करनी। और ये जो जब बोर्ड में पेपर होते हैं और वहां इनकी ये इमेज है कि कोई भी वहां स्टाफ का मेंबर होता वो कहता है यहां रुकने की क्या जरूरत है, ये तो शास्त्राम जी वाले बच्चे हैं, ये नकल तो करेंगे नहीं। बल्कि इनको जिन्होंने नकल करने के लिए उकसाया उनकी शिकायत तक कर दी कि जी हमसे ये कह रहे हैं कि आप हमारी नकल कर लो, हमने गुरु जी इनकी नकल नहीं करनी, इनको साइड पे कर दो मास्टर जी टीचर जी। तो ये बेमिसाल है। हमें लगता है ऐसा शायद ये ऑल ओवर अगर देखा जाए, हम ये नहीं कहते कि और जगह स्कूल नहीं होंगे, पर सुनने में कभी आया नहीं कि कोई ऐसी भी सभ्यता रखता हो, इंसानियत भी जिनके अंदर मौजूद हो। और ये बच्चे, चाहे वो गुजरात का भूकंप, उड़ीसा में तूफान आया, कारगिल में जो हुआ उसमें घायल हुए सैनिक, करोड़ों रुपए एक साल में अपनी जेब खर्ची से निकाल के जो खर्चा करते हैं, हमें लगता है वर्ल्ड में कोई ऐसा स्कूल नहीं होगा, ऐसे कॉलेज नहीं होंगे जो करोड़ों रुपए जेब खर्ची में से बचा के दीन दुखियों की मदद करते हों। पता नहीं कितनों के इन्होंने मकान बना के दिए हैं। ये प्रूफ है, आप प्रूफ चाहें तो प्रूफ ले सकते हैं। और हमें लगता नहीं कि दुनिया में कोई ऐसे स्कूल कॉलेज होंगे। हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, बड़ाई इनकी और इनके माँ बाप की है जिन्होंने ऐसे बच्चों को पैदा किया है। फकीर का काम तो बताना है। टीचर तो पढ़ाते हैं, अब जो फॉलो करते हैं वो मेरिट होल्डर होते हैं, थोड़ा कम फॉलो करते हैं फर्स्ट डिवीजन ले जाते हैं, पर कई निकम्मे होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो इसमें टीचर मास्टर की तो कोई कमी नहीं। तो फकीर तो सबको समझाते हैं, पर जो फॉलो करते हैं बाकी वो काबिले तारीफ होते हैं। तो ये बच्चे सारे जितने भी यहाँ पढ़ते हैं बाकी काबिले तारीफ हैं, बेमिसाल बच्चों। इसी बेमिसाली को आप हमेशा कायम रखना, कभी नकल ना करना, और जो आपको बोला गया उस पर अमल करना बेटा, ताकि आपका नाम एक अलग हो। और जो आप दीन दुखियों मदद करते हैं, माशाल्लाह इतना तो कोई बड़े नहीं करते जितना ये छोटे करते हैं। एक साल में हमें आंकड़े ख्याल में नहीं है, शायद एक स्कूल करोड़ों का परमार्थ करते, करोड़ों का, जिसमें बीमारों का इलाज, विधवाओं की शादी, गरीबों का मकान बना के देना, कहीं भूकंप आता है या उत्तराखंड में जैसे तो ये सामान भेजना। तो ये अपने आप में बेमिसाल है, ये इंसानियत की। यदि अगर ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हमारी निगाह में ये स्कूल टॉप है पूरे, क्योंकि आज तक हम भी पढ़े हैं स्कूलों कॉलेजों में। जेब खर्ची मिलती थी वो तो वो बाप की जेब से चुरा के भी रगड़ देते थे, फिल्म देखने में, पकौड़े खाने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में, इत्यादि इत्यादि जो बदमाशियां बच्चे करते हैं। पर इनका तो कमाल है, अपनी जेब खर्ची से खाते नहीं है बल्कि लोगों को खिलाते हैं। ये बेमिसाल आशीर्वाद। और पिताजी सारी उंगलियां आपकी तरफ है, ये सब आप जी के कारण है। जोरदार तालियां हो जाए। पिताजी वाकई आप जी ने बनाया। पिताजी बाहर के बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, लेकिन जब यहां पर आए तभी ये सब पता लगा है। इसलिए इन शिक्षण संस्थानों के बच्चों की एक एक उंगली आपकी तरफ है। आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे पापा। शिक्षा के साथ साथ पूज्य पिताजी ने शाह सतनाम जी शिक्षण संस्थानों को इंसानियत व परमार्थ का पाठ भी बखूबी पढ़ाया है। जब भी कोई मुसीबत आई या किसी जरूरतमंद को जरूरत पड़ी तो पूज्य पिताजी की दया मेहर से शासतनाम जी शिक्षण संस्थानों का हाथ सबसे पहले मदद के लिए आगे आया। आज इस अवार्ड को मिलने की खुशी में शासतनाम जी गर्ल्स स्कूल आज भी 5,23,000 रुपए दीन दुखियों की मदद में परमारित कर रहा है, और सेंट एमएससी ग्लोरियस इंटरनेशनल स्कूल बॉयज 23,000 और सेंट एमएससी ग्लोरियस इंटरनेशनल गर्ल्स विंग 23,000 रुपए परमारित कर रहे हैं। अब श्री अवतार नेहरू जो कि सीनियर एडिटर है एजुकेशन वर्ल्ड के, ये पूज्य पिताजी को ये अवार्ड दे रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए।
बंधन सदगुरु तेरा ही आसरा। श्री अवतार नेहरू जी कुछ बोलना चाहते हैं। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। रेस्पेक्टेड गुरुजी, डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स माय प्राउड प्रिविलेज एंड बिग ऑनर टू बी प्रेजेंट ऑन दिस ओकेजन एंड ऑन दिस स्टेज। योर स्कूल्स शाह सतराम गर्ल्स स्कूल एंड इंटरनेशनल स्कूल सेंट एसएमजी इंटरनेशनल ग्लोरियस स्कूल आर बेस्ट स्कूल्स इन द कंट्री। आई हैव कम फ्रॉम दिल्ली टू टेल यू। द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल दैट वी हैव रैंक्ड एट नंबर 9 ऑल इंडिया उन स्कूलों के साथ है जिनकी इतिहास 100 साल का है। मियो कॉलेज के साथ, वेलम कॉलेज के साथ कम्पीट किया है, वो सर्वश्रेष्ठ 10 में आ गया है। तो आप लोगों को बहुत बधाई है। आई हैव कम हियर ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट एंड ट्रस्टीज ऑफ आवर मैगजीन एजुकेशन वर्ल्ड टू फेलिसिटेट हिज होलीनेस गुरुजी और आप सभी लोगों को, सभी बच्चों को, सभी टीचर्स को। एक बार फिर आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर द ट्रॉफी, फॉर द रैंकिंग्स एंड द अचीवमेंट यू हैव बीन डूइंग। सो आई विल टेक जस्ट कपल ऑफ मिनट्स टू टेल यू व्हाट दिस रिवॉर्ड, व्हाट दिस रिकॉग्निशन मींस। एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन इज इंडियाज नंबर 1 एजुकेशन मैगजीन रेड बाय मिलियंस ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इंडिया। And this rankings, annual ranks we are doing, it was done from 21 states, one cities. फिर से ये मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारी रैंकिंग है ये 21 शहरों से राय ली गई थी और कम से कम 6,000 से 7,000 लोगों की, जिनमें एजुकेशनिस्ट थे, प्रिंसिपल्स थे, टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, उनकी राय को इकट्ठा कर दिया गया और उसके आधार पर जो रैंकिंग हुई है उसको हमने लीग टेबल्स के द्वारा, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, यानी जैसे इंटरनेशनल में अमेरिका में होता है, यूएसए यूके में होता है, उसी पैटर्न पर हमने ये रैंकिंग्स जो है पब्लिश की हैं। एक और बात इसमें जो है, हम 14 पैरामीटर्स होते हैं, यानी पैमाने जो होते हैं 14 पैरामीटर जो स्कूल को एक अच्छा स्कूल बनाते हैं, जिनमें एकेडमिक रेपुटेशन है। जैसे कि गुरुजी ने अभी बताया कि आपके कितने, मतलब जो आपके को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ये सारे पैरामीटर जो हैं। जब मैं कल रात इधर आ गया और प्रिंसिपल डॉक्टर शीला पुनिया से मेरी बात हुई और स्कूल में मैंने माहौल देखा तो मुझे देखते ही लग गया कि इस स्कूल में जितने वैल्यूज हैं, जो कुछ यहाँ पे, मतलब जो हम चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर हो, शिक्षा में जो मूल आ जाए, यानी लोगों में जो शिक्षा का एक टूल होता है, एम्पावरमेंट का होता है, कि शिक्षा जो है एक व्यक्ति को उसके टैलेंट को निखारती है, देश सेवा में लगाती है, अपने जो समाज सेवा में लगाती है, वो इस स्कूल में भरपूर देखने को मिला। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा यहां पे आके कि आप ह्यूमन वैल्यूज को, यानी इंसानियत को, उनके जो कदरें हैं, उनके जो वैल्यूज हैं, वो आप में इनग्रेन ऑटोमेटिकली हो जाती हैं, क्योंकि यहां पे जो एक्टिविटीज हैं और यहां पर जो इकोसिस्टम है, द इकोसिस्टम इटसेल्फ गिव्स यू ऑल दोज वैल्यूज विच यू टेक ऑल अलोंग योर लाइफ एंड यू विल बी अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, वेरी सक्सेसफुल ह्यूमंस। और मैंने आपके बारे में ये जाना कि आप ह्यूमैनिटी को एक रिलीजन मानते हैं, एंड इनडीड इट इज अ रिलीजन एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। एजुकेशन वर्ल्ड इज प्राउड ऑफ दिस। अंत में यही कहूंगा कि एजुकेशन वर्ल्ड का यही एजेंडा है कि हम शिक्षा को देश में सर्वप्रथम लेके आए, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा जो समस्याएं हैं, गरीबी है, उन्मूलन है, ना बराबरी है, डिसहार्मनी है, यानी शिक्षा को नंबर 1 पे होना चाहिए और उसके लिए हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं। और आपका मॉडल जो है इसको प्रमोट करने का मैं यहां पे कमिटमेंट करता हूं। एजुकेशन वर्ल्ड ऐसे मॉडल्स को प्रमोट करेगा, आपके स्कूल को प्रमोट करेगा और आपकी एक्टिविटीज को।
और मुझे उम्मीद है कि आप जो ये जिस जतन से, जिस इच्छा से और जिस भाव से ये काम कर रहे हैं इस देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान होगा फ्यूचर में। इस शब्दों के साथ मैं गुरुजी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जय। धन्यवाद श्री अवतार नेहरू जी और सत्संग जी, यहाँ के स्कूल के बच्चों को ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी सत्संग को मॉरल वैल्यूज किसने दिए? सबका इशारा पूज्य पिताजी की तरफ है। सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, आज का यह मुकद्दस दिवस जिसकी महिमा वर्णन करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मुबारक हो हमें, तुम्हें, इस पूरी सृष्टि को। जब सतगुरु ने सतगुरु जाहिर किया, परम पिताजी ने हुजूर पिताजी के रूप में हमें सर्वगुण संपन्न ऑलराउंडर बब्बर शेर दिया। जी तो रूहानी जाम हमें लगता है सब तरफ आ गया होगा, भाइयों की तरफ आ गया, नहीं आया तो हाथ खड़ा करके हिलाएं जी, कोई भाई रह गए हो तो जी। और बहनों की तरफ तो दोनों बराबर हैं क्योंकि मैटर बीच में इतने चल पड़े, तो आप भी भाई जोर से नारा लगा के बैठ जाएं और बातें ना किया करो, खास करके सतुरमचारी पंखे वाले, आप अगर बातें करनी है तो बैठ जाया करो, साथ वाले से बातें मत करो, क्योंकि आपको बोला था कि नाम जपना, और जिन्होंने तब से लेके अब तक नाम जपा मालिक दरगाह में जरूर मंजूर करेगा, खुशियां देगा, सत्संग का फल, सेवा सुमन का फल बख्शेगा। सुदिया में रहमत से मालिक नवाजे, आशीर्वाद से नारा जोर से लगा के आप बैठ जाओ बेटा, मालिक बेहद खुश थे। और पंखाई की जरूरत नहीं होती, अगर समझते हो तो ऊपर वाला लगा लिया करो, सिर्फ सेवादारी रहेंगे ये, क्योंकि ये तो बातें कर रही थी उनसे लगातार, ये रूहानियत का दरबार होता है, आप मजाक मत समझा करो, उनकी जो ड्यूटी आप उनको उनसे हटा रहे हैं उल्टा बातें मार मार के, वैसे सारा दिन रात से जी नहीं भरा क्या बातें करने से, ये यहाँ रूहानी जाम है, ये कोई मजाक नहीं होता, आपसे प्रार्थना है ऐसा ना मत किया करो, और ड्यूटी भी दिल लगाने वाले भी ध्यान रखा करो, ऐसे इंसान की ड्यूटी मत लगाओ जो बातों बिना रह नहीं सकता, को गुनाही वाली गल होती कहीं तो रह नहीं जाता, आदत होती है आदत से मजबूर, क्योंकि इतनी देर चुप कैसे रह लिए तो ये मुश्किल है, तो सेवादार भी वही आया करें जो सुमरण कर सके, राम नाम का जाप कर सके, ये आगे से ध्यान रखें आशीर्वाद। हाँ जी चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, मुबारक हो हमें, तुम्हें, इस पूरी सृष्टि को। जब सतगुरु ने सतगुरु जाहिर किया, परम पिताजी ने हजूर पिताजी के रूप में हमें सर्वगुण संपन्न ऑलराउंडर पप्पर शेर दिया। परमपिता वालिदो जहान शाह सतनाम जी महाराज ने अपने युवा स्वरूप पूज्य हजूर पिताजी को 23 सितंबर 1990 को दुनिया से रूबरू करवाया। वे हमें हमारे जानशीन दोनों जहां के रक्षक से मिलवाया। पूज्य पिताजी का अपने सदगुरु मौला के प्रति जो प्रेम, लगाव और सत्कार है वह अवर्णनीय है। गुरुगद्दी से पहले भी जब पूज्य हजूर पिताजी परम पिताजी के दर्शनों के लिए आते, दर्शन करके मजलिस सुनकर वापस घर चले जाते, तो कई बार ऐसा होता कि घर के बिल्कुल नजदीक पहुंचकर गाड़ी फिर वापस देने की तरफ घुमा लेते कि दोबारा दर्शन करने हैं। पूज्य हजूर पिताजी जब वापस पहुंचते तो परम पिताजी भी बाहर ही मिलते और दर्शन जरूर देते। प्रेम की ऐसी मिसाल शायद ही कहीं देखने को मिले। सलाम ऐसे हद दर्जे के हकीकी इश्क को। 23 साल की उम्र में अपने घर बार परिवार का त्याग कर पूज्य पिताजी सरसा आ गए। गुरुगद्दी पर आने के बाद भी आप सभी ने देखा होगा कि पूज्य हजूर पिताजी परम पिताजी का
इतना ख्याल रखते कि अगर बोलते बोलते थोड़ी खांसी भी आ जाती तभी कारण जानते कि आखिर परम पिताजी की देखभाल में कहां कमी रह गई। जब घुटने में दर्द था तो स्वयं ही लिफ्ट बनाई ताकि परम पिताजी को सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण मौजूद हैं गुरु शिष्य के प्रेम के। गुरु शिष्य के प्रेम की पूज्य पिताजी ने जो मिसाल कायम की है ऐसी मिसाल इतिहास में नहीं मिलती। सलाम ऐसे हद दर्जे के गुरु शिष्य के प्रेम को। पूज्य पिताजी की पावन रहनुमाई में इतने मानव भलाई के कार्य चल रहे हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं। इस दुनिया में तो क्या पूरी त्रिलोकी में भी इसका कोई स्थानी नहीं। यहां पूज्य पिताजी की रहनुमाई में 100 मानव भलाई के कार्य किए जाते हैं जिन्हें सुनकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जब भी कोई मानव भलाई का कार्य चलता है तो साथ संगत बढ़ चढ़कर आगे आती है। पिताजी का एक आह्वान और साथ संगत ऐसे चली आती है जैसे क्षमा पर परवाने। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ऐसा क्या है गुरुजी में कि नौजवान लड़के वेश्याओं से शादी करने को तैयार हो गए। ऐसा क्या है कि बिना किसी स्वार्थ के सैकड़ों नहीं हजारों नहीं लाखों लोग अनजाने शहर की गंदगी साफ करने के लिए पहुंच जाते हैं। शत शत नमन ऐसे पीर को जिसने अपने मुरीदों में ऐसा जज्बा भरा। खेती बाड़ी का क्षेत्र हो या खेल कूद का, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या हेल्थ केयर का, हर एक नए क्षेत्र में पूज्य पिताजी ने समाज को दुनिया को एक नई दिशा दी है। इस दृष्टि से देखा जाए तो असली अवार्ड के हकदार तो वे सिर्फ और सिर्फ पूज्य पिताजी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं। जब भी कोई मानव भलाई के कार्यों में अव्वल आता है तो आप जी हमेशा कहते हैं बल्ले धन्य अशके। सो जिनकी प्रेरणा से सासंगत या मानव भलाई के कार्य करती है उसके बारे में बयान करने के लिए तो कोई शब्द ही नहीं बना, शब्दावली छोटी पड़ती है। पूज्य पिताजी आप जी ने 29 अप्रैल 2007 को अपने पावन मुखारविंद से यह वचन फरमाए थे कि सासंगत जो कहेगी हम माना करेंगे। आज पूज्य पिताजी सासंगत की यह अर्ज स्वीकार कर लो जी। सासंगत की यह इच्छा है कि आज के इस मुकद्दस दिवस पर डेरा सच्चा सौदा परिवार के 5 करोड़ से भी ज्यादा जो लोग हैं उनकी तरफ से पूज्य पिताजी को ये अवार्ड दिया जाए। क्यों सासंग जी हाथ खड़ा करके बताएं। पूज्य पिताजी आप हमारी ये आज जरूर स्वीकार करें जी। सासंग जी जोर से बताएं, थोड़ा और जोर लगाएं। पिताजी समस्त सासंगत के हाथ खड़े हैं। पिताजी सासंगत आपको क्या दे सकती है, हम बस यही करते हैं। सभी खड़े हो जाएं, इस बात के लिए सभी खड़े हो जाएं। हम पिताजी आपको कुछ नहीं दे सकते, हम सिर्फ आपको सलाम कर सकते हैं, एक ग्रैंड सल्यूट। आप ग्रैंड सल्यूट दीजिए। पिताजी सलाम के रूप में हमारा ये अवार्ड सलाम इश्क कृपया स्वीकार कर लो जी, क्योंकि आप ही हमारा प्यार हैं, आप ही हमारा इश्क, और आप जी को हम सब का प्यार भरा सलाम एक बार फिर
grand, grand, grand salute. Salam. उस सतगुरु पिया को जिसने 84 लाख जूनियर से मुक्त कराया, उस पाप का जिसने हर एक दिन इस पाप से बढ़कर फर्ज निभाया, अपने पापा कम गुरु गाय कम लोग को संगत का एक फरिश्ता उनका पिताजी को सबसे पहले एक सर्टिफिकेट संगत जी आज सबकी तरफ से जी आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। बैठ जाएं, बैठ जाएं, अपनी जगह लें। सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर शास्त्रनाम जी दया के सागर दो जहां वाली ने जो तोहफा बख्शा, जो अवार्ड दिया, वो अपने आप में बेमिसाल दोनों जहां में अलग है, क्योंकि जितने भी रूहानी संत पीर फकीर आते हैं वो जब भी इस दुनिया से जाते हैं अपना शरीर बदलते हैं तो ये कहते हैं मेरे बाद इसको, पर मुर्शिदे कामिल दाता रहबर ने वो परोपकार किया और वो अवार्ड दिया कि भाई हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। सो बेमिसाल, और आपके प्यार मोहब्बत की ये बेमिसाल सौगात है कि सतगुरु मौला, क्योंकि सात संगत मालिक का रूप होती है और सात संगत ने ये चाहा कि अवार्ड दिया जाए, तो हमने इसीलिए ग्रहण किया कि ताकि आपको मालिक बेहद खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे। और अवार्ड तो आ गया, अब क्या रह गया, वो तो पत्थर था। अच्छा ये अवार्ड, ये लाओ भी लाओ। और अब सासंग जी सबकी तरफ से एक बार फिर खड़े हो जाए, पत्थर ही देना था ना। चलो ठीक है, चलो चलो। और अब खड़े हो जाए आप सबकी तरफ से, पूज्य पिताजी को ट्रॉफी व मेडल दिया जा रहा है, जो तालियां हो जाए, नाचे गाए झूमे। आशीर्वाद आशीर्वाद। और बैठते हैं बेटा, और जिन्होंने भी इस बारे में सोचा, शुरुआत की और साथ संगत ने पूरा साथ दिया, तो सबके घरों में मालिक बेहद खुशियां दे, अंदर की बुराइयां उनकी दूर करे और ऐसी खुशियां, ऐसी दयामय रहमत बख्शे जो कहने सुनने से परे हो। सो ये बेपुरा जी का रहमो करम कि साथ संगत का प्यार मोहब्बत एक अवार्ड के रूप में, एक ट्रॉफी के रूप में, मेडल के रूप में अपने पीरो मुर्शिद कामिल को, जो अपने आप में शायद बेमिसाल है, ऐसा अवार्ड संत गुरु मुर्शिद कामिल तो अपने मुरीदों को देते रहते हैं, पर मुरीद अपने बच्चों को, अपने पिता को, अपने गुरु को, अपने मुर्शिद कामिल को एक भावना है। सलामे इश्क नाम भी बड़ा खूबसूरत रखा है कि क्योंकि पीर फकीर जो होते हैं वो इश्क ही होते हैं रूहानियत के, वो अल्लाह वाहिगुरु से इश्क मंगवाते हैं,
इश्क देते हैं, इश्क बांटते हैं, और सच्चा इश्क, गंदगी भरा नहीं, जिसमें गंदगी हो, वो सच्चा इश्क जो इंसान को मालिक से मिला दे। तो मालिक बेहद खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे और उनकी इच्छाएं पूरी करे, जिन्होंने ये सोचा, जिन्होंने ये बनाया, जिन्होंने ये इस पे चले, सो मालिक बेहद खुशियां दे। और साथ संगत ने साथ दिया तो वो भी उनको खुशियों के पात्र बन गए, सो मालिक बेहद खुशियां दे। सो आशीर्वाद। और अप्यारी साथ संगत जी, ये क्या भाई, ऑनलाइन कोई ग्रंथ लेना चाहे, सीडी लेना चाहे, तो उसके लिए एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। लाओ भाई वेबसाइट लाओ। कोई भी साथ संगत को ग्रंथ चाहिए होता है या सीडी चाहिए होती है, तो उसके लिए वेबसाइट इन्होंने बनाई है, लाइन जी। और ये वेबसाइट है जी www.shop.derasachasauda.org। मुझे हजूर पिताजी लैपटॉप पर क्लिक करके इस वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हैं जी। जोरदार तालियों के साथ पवन प्रभुता का सत्कार करें जी। दोन दोन सतगुरु तेरा ही आश्रो। ये कैमरे में क्लोज अप नहीं है क्या आपके? तो सत्संग को पता चल जाएगा इसका, थोड़ा क्लोज कर। आप नए नए कैमरा मैन चढ़ाते रहते हो, रात ही समझा के हटे हैं। कैमरा तो सामने वाला है, फोटोग्राफर नहीं जी। ठीक है भाई, सत्संग जी आपने ये वेबसाइट देख ली, आपको रात बोला था ना कि हर बात समझानी पड़ेगी, तो देखो क्लोज अप भी हमें कहना पड़ा कि क्लोज अप कर दो उसका। पता नहीं नए नए जीव आते हैं भाई, पता चलता नहीं। सो रात ही ये बात चर्चा हुई थी कि सत्संग देख सकती है वो वेबसाइट, उस पर वो लिखा होता है तो वो सारा क्लियर हो जाए। इतना तो हो नहीं सकता कि कैमरा फॉक्स ना करे, ये खराब है आपका कैमरा, फॉक्स नहीं कर सकता इतना, तो भी किया नहीं, चढ़ा रखे है कलम टींग बंदा। सो मनिया भी करो, सिखाया भी करो, भी भगता इन्होंने क्लोज अप करना होंगे, इन फिर चढ़ाएगा तुम की कर दे बैठे, दूजे किधर गए थोड़े चूचे पूछे जे सारे साज बजाने वाले हैं, इधर की करते दाल दल दे इधर, जिदा कम साजा है वो साजा ते रो, बाल कहां है वो, वहां क्या कर रहा है, यदि स्टेज के पीछे उसका क्या काम है, तो मांगेंगे तब दे देना, वो कोई कलकत्ता है जिहड़ा आने च देर लग जू, कदों का इतने खड़ा वेली ने दसो उतों चल के आना इतने फाइल देने भी जो शब्द बोलिया था, और वो कदों का खड़ा पता नहीं कहे टाइम का सन का। वाह भगतो, वैसे तुम भी रिकॉर्ड ही कैम करते हो रोज, कोई शक है उतों ही चल के आना जो शादियां करवाणी है, अजे काफी कम बकाया पे है भी, फाइल है कि दो मिनट आ जाएगा तू चल गए। तो आप अपनी ड्यूटी किया करो, कैमरे पे जिसकी ड्यूटी है, जिसको पता है कैमरे का, वही रहा करो भाई। रात आपको बोल दिया बार बार अच्छा नहीं लगता, कोई वचन हो जाता, बाकी मर्जी आपकी, करवाने तो फिर करवा लो। आपसे बार बार प्रार्थना रात भी की, सारे सेवादारों में भी, फाइल है कितनी की बड़ी चीज है, दो मिनट में बुला लेंगे यहां, वो उदों तो इसी देखिए नहीं, बाल भी है नहीं, राजेश तो चलो फोटोग्राफी कर रहा है, वो पीछे ही खड़ा उदों का, फाइल शब्द केड़ा, शब्द केड़ा, इन्ने अजे मेडल पे है, अजे शादियां पई है, उन्होंने आपकी लगी पी फाइल दी, मैं फड़ा दया गिरा बस, की दसीए थोनों, बेपरवाजी किमें चलाते हैं सब कुछ, तुम इतों हिसाब ला लो भी निकी जी चीज है, हूं बाकी गल्ला की दसीए, वो आसरे है ना सारा कुछ, क्यों मानते हो ना, ये सतगुर के आसरे चल रहे है सारा सौदा, बंदे की अकल बुद्धि चतराई इतने कुछ भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होंगे, और पता नहीं, चलो मालक सतबुद्धि बख्शी जी। तो प्यारी सात संघ जी, अब आपने कुछ बोलना है जी, तो कुल के क्राउन के तहत शादी हो रही है जी, आप जानते हैं कुल का क्राउन, तो लड़की आएगी, पता नहीं कहां है भाई, आ जाओ बेटा चलो, वो बहुत ही दूर हो आप, तो पिछली बार यहीं खड़े कर लिए और इस बार वो कणातों से पार बात थोड़े,
जी बैठे रहिए बैठे रहिए। ये धूमधाम से इसलिए मनाया जाता है कि जिनके एक बेटी है वो बेटी कुल का नाम चलाएगी, कुल की कराम कहलाएगी। ये शादी करके लड़के को अपने घर ले जाएगी और वो घर जवाई नहीं, जैसे बेटी अगर घर में जाती दूसरे में तो वो दुल्हन कहलाती है, और ये भी दूल्हा और बेटा कहलाएगा, घर जवाई कोई नहीं कहेगा। तो ये रीत कि जिनके सिर्फ एक ही बेटी है या फिर दो बेटियां ही बेटियां हैं और उनमें से दोनों सहमत हैं लिखित में कि एक बेटी कुल का कराउन और एक वैसे शादी करवाए, वो पता किया जा रहा है, तो उनकी शादियां की जा रही है जिनके सिर्फ एक बेटी है, तो वो माँ बाप के यहाँ रहेगी और उसके घरवाला वहीं आएगा। ये कई शादियां हो चुकी हैं और अब एक आज और शादी है, तो आप ढोल नगाड़े सुनने बैठे रहो भाई भाईओ, और तुसी तो भैणा तो अगे निकलते जा रहे हो, तुहाडे कोल दी जाण के बह जाओ, खड़िया भैणा होंदियां दी मर्जी तुहाडी, भैणा बैठिया और भैनों बैठ जाओ बैठे रहना, वो कुड़ी है वो सिरे बन्ने तुहाडे कोल दी आ जाना, ढोल ढमाके बजते आ रहे हैं, बह जाओ भगतो बह जाओ शाबाश बेटा, और कैमरे वाले दिखा सकते तो दिखा दो जी, जो थोड़ा जूम आउट इना है जूम इन कर लो जूम आउट कर लो, दोनों चीजा दिखाते रहो। और जो सामने ना खड़े हो उसके क्योंकि वो तो आ ही नहीं रहा, अरे फोटोग्राफर बस तू इधर फोटो कर लेना, बस ये सारा व्यू यही रोक लेंदा, वो भगता पीछे होके कर ला फोटो, केड़ा एक रहे बहुत सारे है जी। तो ये बेटी है कुल का क्राउन, बाजे गाजों के साथ सास संगत के बीच में से अपनी सहेलियों माता पिता परिवार के साथ, और दूसरा है भक्त मर्द गाजी, वो भी कम नहीं है, जो लड़का इनसे शादी करवाएगा वो भी बेमिसाल है, क्योंकि कहते हैं ना मैन ईगो अहंकार डाउन हो जाता है, आजकल पत्नी की बात थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो आदमी मरने तक पहुंच जाता है, तो इतनी ईगो गिरा के इतना नीचे होके उसे शादी करवाना फिर उसके घर में जाके रहना बहुत बड़ी बात है, सो इसलिए उसका नाम रखा भक्त मर्द गज। जी तो ये देख सकते हैं आप ढोल बाजे गाजे और बैंड के साथ, बैंड बजाने वाले सब भाइयों के साथ अपने सहेलियों बहनों के साथ, तो ये गुड़िया आ रही है, यहीं रुक जाए बेटा बैनर यहीं रोक लें, और इस गुड़िया ये परिवार दोनों मिलकर 4,640 रुपए बैंक में जमा करवा चुके हैं जी, और हाँ बस करें बेटा शाबाश 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 आशीर्वाद बेटा, तो 4,640 रुपए जमा करवा चुके हैं, और मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण 5 श्रीधन का 5 मेंबर दोनों दान महादान, और कुल के क्राउन का नाम है पूजा इंसा, माता का नाम सावित्री रानी इंसा, पिता का नाम दर्शन कुमार इंसा, निवासी संगरूर जिला संगरूर, और भक्त मर्द गाजी मनदीप इंसा, माता का नाम फूला रानी इंसा, पिता का नाम राजेंद्र कुमार इंसा, निवासी भाववाड़ा जिला फाजिलका पंजाब। सो आ जाए जी दोनों स्टेज पे, आए बेटा कुल का क्राउन और भक्त मर्द गाज।
जय हजूर पिताजी, 25,000 रुपए का चेक टोकन ऑफ लव के रूप में इन्हें अपने पवन संगमरों से प्रदान कर रहे हैं जी। इस पवन सरोकार के लिए जोरदार तालियों से सत्कार करें। जी तो प्यारे सत्संगियों, आपने देखा ये बेमिसाल शादी, और आदिवासी जो परिवार हैं वो भी शादी वाले आए हैं, तो वो वहां पे लाइन बनाए भाई, उनके सेवादार जो लेके आए हैं वहां लाइन बनाए, एकदम उनकी शादियां होती हैं वो अभी बाद में, पहले कुछ शादी और हैं थोड़ी सी, 2, 3, 4, 5 कितनी है देखते हैं, थोड़ी सी शादियां हैं। सो हमारे ख्याल से पहले प्रसाद शुरू कर दें। एक बार रुको, शादियों वाले रुको भाई, एक बार रुक जाओ बेटा, क्योंकि सात संगत थोड़ी भूख सी भी लगाई होगी, टाइम भी काफी हो गया। फकीरों का तो काम ऐसे ही है, 2 दिन बैठे रहे तो बैठे रहे, आपके हाथी नचन लग जाएंगे, औखा हो जाएगा। इधर तो काम चलता रहता है, बेबराजी करवाने वाले हैं, लेकिन हमें तो अपने बच्चों का ख्याल होता है। सुप्रसाद आप बोलो जल्दी से। आनंद सतगुरु तेरा ही आसरा, और बहुत ही खुशी की बात कि आज के इस पावन अवसर पर जो प्रसाद बांटा जा रहा है, हलवे का यह प्रसाद, यह प्रसाद पूज्य हजूर पिताजी की ओर से ही बांटा जा रहा है। पूज्य हजूर पिताजी की श्री गुरुसर मोडिया की खेती बाड़ी की नेक और कड़ी मेहनत की कमाई में से बांटा जा रहा है, और सारी सात संगत ने पूज्य हजूर पिताजी के पावन चरणों में पूज्य हजूर पिताजी की लंबी आयु वह अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए एक जोर से नारा लगाना है जी। जी तो प्रसाद वाले चलो बेटा तेजी से, आप रुके क्यों हैं पीछे खड़े बेटा, चलो शाबाश शाबाश, प्रसाद बांटो, सारी सात संगत ने प्रसाद लेना है, उसके बाद लंगर दे देंगे, आप फिक्र ना करो, पहले प्रसाद खा लो, इहदे नाल ही बल्ले बल्ले होनी है, और फिर उदू बाद फिर लंगर, अजे बस थोड़ा जा समा तुहाडा होर लेना। सो ये जो अवार्डों का है ये थोड़ा सिस्टम आप आगे से सेटिंग करें, क्योंकि इसमें टाइम ज्यादा चला जाता है, जो बातें करनी है वो चर्चा है वो रह जाती है, तो भंडारे जितने भी आते हैं सभी भंडारों के लिए ये अलग से सेटिंग की जाए, तो हमने तो सिर्फ फर्स्ट वाले रखे थे, थोड़ी गड़बड़ होगी इसमें, काफी और आ गए, और आपकी लिफ्ट चली नहीं है, तो जो आपको बोला गया था तो अगली बार हर हाल में चलनी ही चाहिए, आपको नहीं आती बनानी तो वो परमजीत को बताओ, बुलाओ, हम बनवा देंगे। लिफ्ट कितनी की बड़ी चीज है, एक छोटा सा गियर बॉक्स लगाना है, 4 यहाँ एंगल लगानी है, और उसके अंदर एक कैबिन लगाना है, दैट्स ऑल, गियर बॉक्स से चला सकते हैं, छोटी सी चीज नहीं आपसे बनती। कब का आपको बोल रखा है, 2-3 बार हो गए, कान फाड़ लो, हाथियों वर्ग हो जाए फिर तस जाए मान जो भाई, हर बार आपको बोला, बेचारे बुजुर्गों को ऊपर चढ़ना पड़ता है, कि छोटी सी लिफ्ट हो उस पर खड़े हो, ऊपर आ जाएं, अवार्ड दें, नीचे चले जाएं, आराम से उनको चोट ना लगे, बेचारे वो बुजुर्ग होते हैं तो उनको जाना आना मुश्किल हो जाता है यहां जो स्टेज के सामने। तो आपको कितनी बार ये चीज बोली गई है, पर ढाक की 3 पात कोई फर्क तो पड़ता नहीं भाई। चले बेटा चले, शाबाश, मालिक से यही दुआ करते कि आपको भी सद्बुद्धि दे, अकल दे, ताकि आप अच्छे काम कर सकें। हाँ चलो प्रसाद वालों जल्दी से चलो बेटा, दौड़ के कुछ उधर ही घूम जाओ, चलो 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 चलो, शाबाश, हिम्मत से चलो बेटा। चलो चलो शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ चलो चलो तेजी से हिम्मत से आगे बढ़ो, और चले बेटा चले, बहने उधर से घूम जाओ, बहनों वापस घूम जाओ, वापस घूम जाओ, उधर ही उधर ही, हाँ उधर घूम जाओ, उधर घूम जाओ बेटा, घूम जाओ घूम जाओ, सात संगत में चले जाओ, शाबाश शाबाश, और शत्रुमचरी गुरुमचरियों को भी प्रसाद जरूर ले लेना भाई, सारे ना ज्यादा लेना है, जितना संगत को दिया जाता उतना ही आपने लेना है, ज्यादा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, कम तो आप लेते नहीं बताइए, सो ज्यादा नहीं लेना कि भेने मेरी सुन ला, तेनों पता नहीं फिर मैं गल नहीं करवानी रूबरू च, सो कहीं ऐसी धमकी शमकी दे ज्यादा ना ले लेना। हाँ वैसे काफी काफी दे रहे हैं ये बता रहे हैं बच्चे, तो अच्छी बात है, काफी काफी दो, अच्छी बात, ज्यादा ही दो भाई, जितना दे रहे हो आप सारी संगत को उतना ही देना है, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं देना, सेवादारों में भी ध्यान रखना है सारे दोनों तरफ।
तो विवास आप वही वो आदिवासी परिवारों को ले जाएं, लाइन में खड़े करें, चलें चेक कर लें, खड़े करके एक दूसरे के सामने चलें चलें चलें। तो उतने में शादी वाले दूसरे परिवार, पहला परिवार 8270 रुपए बैंक में जमा करवाता आशीर्वाद, मरणोपरांत रिक्तदान का लिखित पत्र 3, श्रीदान का लिखित पत्र 3 मेंबर दो। तो बस मजा ही आई है। सो वाकई हुंदा है लड़कियों को, क्योंकि वो लहंगा बहुत वजनदार होता है और पता नहीं बिचारी कब से बैठी होगी उसको डाल के, तो ये पूरा ध्यान देना भाई। ग्रीन एसल तो मौज है, चाहे सारा दिन बैठे रहने तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगला परिवार दिन के मध्य में आशीर्वाद कहते हैं। तो अब आदिवासी परिवार भाई, ये आदमी बहुत सारे खड़े हो गए, आप कैमरा मैन या कुछ नजर नहीं आ रहा, हमें तो कुछ पता नहीं चल रहा कि वहां हो क्या रहा है। आपका तो हो गया कैमरा, एक जगह सेट करके आप उतर जाओ जी, तो थोड़ा पता तो चले, सारा व्यू ही रोक के बैठ गए आप। उस साइड चले जाओ, दूसरी साइड से ले लो, उस साइड से ले लो जाके, एक कैमरा वाला इधर हो जाओ, कुछ उधर हो जाओ, बस एक कैमरा मैन इधर हो जाओ, क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए। हाँ पीछे जाके, पीछे जाके, बिल्कुल बैक पे, सामने जाके, यहां शादियां हो रही हैं। तो ये 33 परिवार आए हैं जी, और आपको ये बता दें ये वो परिवार हैं, आदिवासी परिवार, जो शादी कैसे करवाते थे कि पहले लड़का लड़की के बच्चे पैदा हो जाते थे, उसके बाद शादी होती थी और बच्चे अपने मां बाप की शादी में नाचते थे। इनको पता ही नहीं था, बड़ा ही अजीबोगरीब इनका चक्कर था। तो इनको समझाया गया, नशे छुड़वाए गए, तीरंदाजी जहर भरे तीर मारना, लूटपाट। आज ये बच्चे बिल्कुल सभ्य समाज का हिस्सा हैं, पढ़ लिख रहे हैं, वहां स्कूल खोले गए जो कि बिल्कुल फ्री में है, आदिवासी मतलब CBSE बोर्ड का इंग्लिश मीडियम का स्कूल है, और यहां सीटें कम पड़ गई हैं। आप पहले दिन से ही इतने बच्चे वहां आए हैं, बहुत बढ़िया स्कूल वहां बनाया, आसपास स्कूल जो प्राइवेट है वो भी वैसे स्कूल नहीं है, वहां
बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और बहुत ही बढ़िया एरिया है वो, हम वहां गए थे तो वहां आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं, खास करके अनाथ बच्चे जिनके माँ बाप भी नहीं है, वो बच्चे वहां शिक्षा हासिल कर रहे हैं। टोटली फ्री है वो स्कूल 100%, तो वहां सीबीएसई बोर्ड का, तो ये बच्चे बहुत ही सभ्य बनते जा रहे हैं, बहुत ही अच्छे। तो आज ये शादियां एक साथ जो दिल जोड़ माला डाल के करेंगे, तो बेटा नारा लगा के आप माला डालें, आशीर्वाद नारा लगा के माला डालें एक दूसरे की, आगे होके एक एक दो कदम आशीर्वाद। तो ये आपने देखा कुछ सेकंड में 33 शादियां हो गई हैं। जी बेटा, जी बेटा, जी बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। और आप आ जाएं और बैठ जाएं अपनी जगह पे, और इन बच्चों को ब्लाकों की तरफ से शादी का सामान भी दिया जाता है, रहने का सामान, खाने पीने का सामान और जरूरत का सामान इनको ब्लाकों की तरफ से, आश्रम की तरफ से दिया जाएगा जी बाद में, बेटी को भी और बेटे को भी। तो आशीर्वाद, चले बेटा शाबाश। विदेशों से आए हैप्पी इंसा बेरगामो इटली, सासंग ने बधाई भेजी नारा, आशीर्वाद बेटा वरिंद्र कौर में वनीत कौर ऑस्ट्रेलिया, तो आपको भी आशीर्वाद प्रसाद लेना बेटा, नारा लगा के बैठ जाएं आशीर्वाद। विदेश जाने वाले विशाल इंसा, गुरमिल राम इंसा, संदीप इंसा, प्रहलाद इंसा, जसवीर इंसा, प्रेमपाल इंसा, बलवीर कौर, जसपाल इंसा, तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। चले बेटा बहुत आशीर्वाद। सासंग यूएई, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड व यूएसए, तो यूएई की सासंग ने 150 पौधे, ऑस्ट्रेलिया की सासंग ने 6355 पौधे आज लगाए, यूके की सासंग ने सफाई बयान किया, न्यूजीलैंड की सासंग ने जरूरतमंद लोगों के लिए फूड बैंक शुरू किया, यूएसए की सासंग ने सफाई महाभियान किया। इन सभी देशों के मूल नागरिकों ने डेरा सच्चा सौदा की भलाई कार्यों की बहुत प्रशंसा की, आप जी के नाम सर्टिफिकेट दिए, कुछ देशों में पौधारोपण करते फोटो स्क्रीन पे है तो आप देख सकते हैं। बहुत आशीर्वाद बेटा, मालिक खुशियां दे। सासंग ऑस्ट्रेलिया, प्यारे पिताजी आप जी द्वारा फरमाए गए वचन यहां मालिक है, वहां कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे, पर चलते ऑस्ट्रेलिया के 79 भाई व 51 बहने इस वचन पे चलने का प्रण कर रहे हैं, तो उनकी फोटो भाई अगर वो लाइव पे हैं तो दिखाएं, तो आप खड़े होकर नारा लगा दें बेटा, और मालिक अरबों गुना खुशियां बख्शे, ये मालिक से दुआ है जो रात वचन है वो सबके लिए है। सो आप खड़े होकर जोर से नारा लगा के बैठ जाएं, ऑस्ट्रेलिया वालों अगर हमारी आवाज आ रही है तो आप खड़े हो जाइए, नारा लगा के बैठ जाइए, और जो प्रसाद आपके पास पड़ा वो ले लेना, मालिक खुशियां दे। नाम वालों की गिनती जो है वो हरियाणा का 6112, इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल 3127, पंजाब 2152, स्वीट रोजी गुरुसर 1462, लिटिल रोजी सरसा 1426, इंटरनेशनल बॉयज स्कूल 1034, बटरलाइन सरसा 649, राजस्थान 587, यूपी 327, दिल्ली 277, नेपाल 171, हिमाचल प्रदेश 49, बिहार 36 और मध्य प्रदेश 6, इस तरह कुल, और ये गिनती हुई 26,280। आज लोगों ने बुराइयां छोड़ने की कसम खाई है, तो बेमिसाल बेमिसाल। और सत्संग जी आगे से इस दिन में और भी नए नए कार्य शामिल किए जाएंगे, भलाई के कार्य, कुछ प्रोग्राम रखे जाएंगे या मंच बनाया जाएगा, आप नोट कर ले भाई, बाद में भूल जाते हैं, कहते जी हम तो भूल गए कि वचन हो इसी, सो कोई मंच बना के उसपे एक्टिविटी भी हुआ करेगी, और भंडारे की तरह ही बढ़ चढ़ के आपकी जोड़ियों में खुशियां आया करेंगी। ये आज भी आएंगी, बेहद बढ़ चढ़ के आएंगी, पर नई नई चीजें इसमें शामिल की जाएंगी जी भाई। ये कागज आज नहीं पढ़ा जा सकता, जिन्होंने भी दीन दुखी मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया वो खड़े हो जाएं, दीन दुखी की मदद के लिए बैंक में पैसा जमा करवाया, नाम नहीं बोला जा सकता, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो वो खड़े हो जाएं जी। तो घरों में खुशियां आए, सेवा सुनने मन लगे, मालिक से प्यार बढ़े, मालिक से ओढ़ने भी, मालिक रहमो करम से नवाजे, माला माल करें और तंदुरुस्ती आए, जोर से नारा लगा के बैठ जाइए आशीर्वाद, और बाद में प्रसाद ले लीजिएगा, क्योंकि ये एक पूरा पेज भरा हुआ है और इस पूरा पेज भरने में बहुत टाइम चाहिए। शासन जी की प्रसाद लेने वाले नए सेवादार 1864 भाई और 1500 बहने, सा संगत रात हाथ खड़े किए थे वो खड़े हो गए हैं, और पर्थ, एडिलेड, मेलबर्न, सिडनी, ब्रिस्बेन, कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया से भी, और यूएसए से, कनाडा, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, इंग्लैंड से,
और युद्ध वीरांगनाओं का 110 ब्लॉक जिम्मेवार, 4 भंगीदा, 6 इंसानियत की सेवा में आवेदन के फॉर्म भरे 360। तो भाई जो भी आप सेवा में आते हैं, धन्य माँ बाप, धन्य परिवार, धन्य वो कुल हो जाती है जिनके बच्चे सेवा करते हुए निभाते हैं। तो जोर शोर से सेवा करना, मालिक दिन दुगने रात चौगुनी से कई गुना बढ़ के खुशियां आपकी झोली में भरे। दया मेरे मुझसे नवाजे, प्रसाद लेना, खुद भी लेना, परिवारों को भी देना, और जोर से नारा लगा के बैठ जाओ। आशीर्वाद, आशीर्वाद बेटा, विराजिए, बैठ जाइए, शाबाश, मालिक बेहद खुशियां दे। और चाबी लेने वाले जो परिवार हैं और बलाक हैं भाई, ये भंडारे के दिन अगर हो सके तो आप ना रखा करें, सत्संगों में चल जाएगा। भंडारे के दिन आगे काम बहुत ज्यादा होते हैं, या शॉर्ट में लिखा करें। और जो मेडल हैं इनका दोबारा से आप इसका करें, ताकि इस दिन वही मेडल रहे, आपने कई चीजें बीच में लंबी चौड़ी हो गई, तो ये ध्यान रखें ताकि साथ संगत के लिए और टाइम मिले। पहली जो है वो विधवा बहन सुमन इंसा, श्री अनिल कुमार निवासी, हर्ष बिहार, ब्लॉक गोकुलपुर, दिल्ली। ब्लॉक वाले खड़े होते जाना जिन्होंने मकान बना के दिए, पूरा घर बना के दिया है आशियाना के तहत। बहन गुरप्रीत कौर इंसा, पत्नी पप्पू सिंह, ग्राम धर्म सिंह वाला, ब्लॉक लालगढ़ चक महराज का। बहन ममता, पत्नी सीताराम, गांव शाहपुर, ब्लॉक अजीजपुर, जिला अलवर, राजस्थान। बहन सपना, श्री सतीश कुमार, गांव नारनौट, ब्लॉक अजीजपुर, अलवर। बहन दर्शना रानी इंसा, पत्नी राजेंद्र कुमार निवासी, इंद्रपुरी मोहल्ला, जिला सरसा। यह मकान शास्त्र रामजी गर्ल्स स्कूल ब्लॉक लिटिल रोजीज स्टाफ बच्चों ने बना के दिया है। और खड़े होते जाओ। बहन रुकमना, पत्नी विष्णु निवासी, जेजे कॉलोनी सरसा, जिला सरसा। यह मकान शास्त्र रामजी गर्ल कॉलेज सरसा ब्लॉक लिटिल रोजी के स्टाफ ब्लॉक के द्वारा बनाया गया। खड़े हो जाए, ब्लॉक वाले भी खड़े होते जाना है। और बहन लक्ष्मी देवी, पत्नी बनवारीलाल निवासी, सदरगढ़, जिला मानसा। इस मकान पर परमार्थ की सेवा रमेश इंसा, बहन रितु इंसा जर्मनी से, और तन की सेवा ब्लॉक की तरफ से की गई। तो बेटा धन्य वो ब्लॉक हैं, धन्य माँ बाप, धन्य परिवार जो सेवा करते हैं, लोगों का घर बना के देते हैं। तो आपके घरों में भी मालिक की खुशियां आए, दया मेरे रहमत से मालिक नवाजे, खुशियों से माला माल करें, और सिमट में सेवा में मन लगे, बच्चों पढ़ाई में, गेमों में, अच्छे कामों में तरक्की करो। क्योंकि आप किसी का घर बना के देते हैं तो मालिक आपके घरों में रहमतें बरकतें जरूर देता है। सो जोर से नारा लगा के बैठ जाओ, प्रसाद लेना, आशीर्वाद। तो चाबियां लेने वाले आ जाएं बेटा। आप सारे जो चाबी लेने आ रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि बचनों पे पक्के रहना, घर आपके लिए सुख देने वाला हो, सुख हंडौना होवे, मालिक के दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बस बचनों पे गलती ना करना। आशीर्वाद, लो बेटा आते जाइए, एक एक करके जल्दी जल्दी से, शाबाश, आते जाए बेटा। हाँ, अपना पल्लू आगे कर लें बेटा, आशीर्वाद। चक उठा लें, कुछ अभी गिर जाती है पल्लू में से, उछल जाती है जी। पल्लू को पल्लू की तरह करो बेटा, ताकि उसमें चाबी रुके। चले शाबाश। और ब्लॉक वालों प्रसाद ले लेना, खुद भी ले जाना, जिन्होंने सेवा की, अगर नहीं आए तो उनके लिए भी लेके जाना। बहुत आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो प्यारी सत्संग जियो, ये फाइल उठाते ही आप समझ जाते हैं कि वो स्पेशल सेवादार है, और वाकई ये स्पेशल सेवादार है, और ये है भक्ति योद्धा, जो वैश्यों से शादी करवाने को नौजवान तैयार रहते हैं, उनका नाम दिया गया है भक्त योद्धा। मीत मां जने तो जने भक्त परमार्थी योद्धा, नहीं तो ना जने, जश नूर खत्म ही होगा, जश नूर खत्म ही होगा। और इस भक्त योद्धा का नाम है कपिल इंसा, सुपुत्र राम प्रताप इंसा जी का, निवासी गांव चक 20 AS, जिला श्री गंगानगर। और ये BTEC कर रहा है नौजवान, ये बहुत बड़ी बात है। आपको छोटी लगती है तो पत्नी इधर उधर देख ले तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गुस्से से नाक फूल जाता है कि इधर उधर कैसे देखा। और ये वो नौजवान है जो वैश्या से शादी करवाने को तैयार है, बेमिसाल, बेमिसाल। तो शाबाश बेटा, मालिक तमाम खुशियां दे जो बचन है, और जैसी शादी होगी वो खुशियां आपके घर में मूसलाधार बरसे, ये मालिक से दुआ। प्रसाद लेना, परिवार के लिए ले जाना, और आशीर्वाद नारा लगा के जोर से बैठ जाओ, आशीर्वाद बेटा जी। तो प्यारी सत्संग जियो, जी तो ये
जो ट्रॉफी का प्लान है हमने बोला था वो तो बचन हो चुके हैं, तो हमारी ही बेटी ने ये सारों को सुझाव दिया। आप तो सारी ही बेटियां, लेकिन एक खून की जो बेटी होती जो पहले शरीर से, तुम वाले की बेहद खुशियां दे दिया, मेरे रहमत से नवाजे, बहुत ही खुशियां दे, माला माल करे। सो वचन तो पहले ही हो चुके हैं, अब नाम बाद में बताया गया है। शायद पहले नाम बता दिया जाता तो शायद ये होता कि शायद पिताजी पार्शलिटी करते हैं ऐसे वचन, तो वो तो बाद में बात आई है। सो माले की बेहद खुशियां दे, आशीर्वाद। तो प्यारे सत्संग जीओ, सच्चे मुर्शिदे कामिल दाता रहबर का रहमो करम मूसलाधार बरसता देखा गया। जैसा आपने बोला कि बेपरवाह जी के लिफ्ट की बात थी, हम ज्यादा समय नहीं, बस वो एक बात आपको बताना चाहते हैं। परम पिताजी ने ये खेल रचा, घुटने में दर्द और बड़ा मुश्किल से सीढ़ियों पे चढ़ते, कई बार तो ये होता कि कुर्सी पे हम उठा के लेके यूं पकड़ लेते पीछे से और यूं ले जाते, तो प्रार्थना करी कि बेपरवाह जी कहते ना आप तो नहीं लगोगे। तो हमने कहा जी और पे तो हमें भी यकीन नहीं आता कि वो पकड़ लेगा आपकी कुर्सी, उठा लेगा, ये ताकत तो आपने हमें ही बख्शी है। तो फिर मान जाते कि ठीक है तेरी मर्जी, जिद करता है तो फिर हम ऐसे अपनी छाती से लगा के ऐसे करते। तो बेपरवाह जी ने सोचा ये तो भाई ठीक, कहते नहीं भाई ये नहीं ठीक, हम तो रस्सा बांध लो, कोई और सिस्टम करो, ये गार्डर लगाओ, वो करो, तो उसमें भी रिस्क रहता। तो हमने अपने सेवादार मिस्त्री तब हुआ करते थे लोहे के, कुछ सेवादार थे, तो उनको बोला कि बेटा ऐसे ऐसे चार एंगल लगाओ, ऐसे ऐसे बीच में कैबिन बनाओ, और ऐसे ऐसे अपन एक गियर बॉक्स टाइप एक लगा लो गरारियां, और हम हाथ से चलाया करेंगे तो उसपे जो टायर होती है वो लिपटती जाया करेगी, तो ऊपर चली जाएगी, और जैसे बेपरवाह जी ऊपर से बैठा करेंगे तो उसको धीरे धीरे खोलते चला करेंगे तो वो नीचे आ जाया करेगी। तो उसमें गियर बॉक्स लगा के जैसे ये सिस्टम बना लिया, जो हमारे ख्याल से उस टाइम में भी अभी पूरा पता नहीं है, शायद 10-15 हजार में वो लिफ्ट पूरी तैयार हो गई। तो ये 90 या 91 की बात है। तो बेपरवाह जी आए, हमने कहा नहीं जी उधर से नहीं जाना, कहते क्यों पौड़ियां तो उधर है, हमने कहा नहीं जी इधर से आना है। तो बेपरवाह जी को बिठाया, कहते ये क्या किया है, कितना बड़ा जुगाड़ करके रख दिया। हमने कहा बेपरवाह जी बस जुगाड़ ही किया है, बाकी बड़ा इसमें कुछ नहीं लगा, कुछ हजार 10 हजार या कुछ ऐसा पैसा लगा होगा। तो आपसे प्रार्थना है आप जरूर चलें। तो जितने भी सेवादार थे उस समय लक्ष्मण जी थे या और ख्याल में नहीं, तो वो कहने लगे पिताजी नहीं जाएंगे। हमने कहा आप नाना करते रहो, कभी ये ना सोचा करो कि पिताजी के सुख के लिए जाएंगे, हम तो 100% कहते हैं कि जाएंगे। तो बेपरवाह जी आए, कुछ देर बैठ के कहते कुर्सी उठाओ, कैसा है ये पहले दिखाओ। तो वो दिखाया कि ऐसे ऐसे चलाएंगे, ऐसे ऐसे, कहते इसको चलाना मुश्किल है। हमने कहा बेपरवाह जी देखो उंगली से चला के दिखाया कि ये तो उंगली से चलता है, इतना बढ़िया गियर बॉक्स इसमें सेटिंग की गई। कहते अच्छा फिर चलो, हमें देखने लगे तेरे काम है। हमने कहा जी बिल्कुल हमारे ही काम है, किसी और के काम नहीं है, और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको जरा सी भी तकलीफ हो। कहते चल फिर, तो हमें साथ खड़ा कर लिया, कंधे पे हाथ रखा और ऊपर छोड़ के जो गेट खुला, कहते ये तो पता नहीं चलता, झटका भी नहीं आता, ये तो बाहर वाली लिफ्ट से ज्यादा बेस्ट है और इतना बढ़िया, क्योंकि वो एक समूथ चलता था और बिल्कुल झटका नहीं, कुछ नहीं। यहां रोकना चाहो रोक लो हैंडल अपने हाथ में। तो वो रोक लिया गया और बेपरवाह उतर गए, और फिर रोजाना आते सुना क्या हाल है, उन्होंने कहा जी बढ़िया है आप सुनाइए। तो हाथ देते, हम हाथ पकड़ते, फिर लिफ्ट से बाहर आते, जब जाते तो हम हाथ देते, लिफ्ट में बिठाते, खड़े रहते बेपरवाह जी। तो वो बेपरवाह जी का रहमो करम इस तरह हुआ। फिर यूपी गए, शायद एक सत्संग थे तो वहां भी यही बात थी। तो हमने पहले से बेपरवाह जी तो बड़ा बहुत है, हमने कहा जी आप जी कृपा करना छोटा कर लेंगे। तो हमने एक फिर हाइड्रोलिक पंप टाइप एक ऐसा पोल बना लिया जिसपे कैबिन चले, पहले चार एंगल थी, फिर हाइड्रोलिक पंप ऐसे एक पाइप बना ली ऊंची और उस पे कैबिन चलने लगा, और उसको नीचे से वैसे ही चलाते थे गियर बॉक्स लगा के या वो उसको दबा दा के। बेपरवाह जी कहने लगे भाई ये तो कमाल हो गई, यहां भी खर्चा कर दिया। हमने कहा नहीं जी ये देखो तो सही, देखा तो वो सिर्फ कैबिन कैबिन नजर आता था, उसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम था, जो पंप था, वो जो पोल था वो पोल पे चलता था, हाइड्रोलिक पूरा नहीं था, चलाते थे हाथ से, मैनुअल था। तो बेपरवाह जी बड़े खुश हुए, कहते भाई कमाल कर दी जुगाड़, इतना बढ़िया सुंदर किया है, तो ऐसा तो कोई ओरिजिनल नहीं कर सकता। तो ये दिल में हमेशा यही तमन्ना रहती थी कि मेरा सतगुरु मेरे मौला कहीं से भी गुजरे, वहां जरा सी भी
हवा भी ऐसी ना आए जिससे कि उनको तकलीफ हो, हमेशा ख्याल में रहता था, क्योंकि वो तो बाली दो जहान है, लेकिन आदमी के शरीर में आए तो आदमी की तरह ही संभाल करनी पड़ती है, ये जरूरी होता है। वो सोच तो वैसी ही रहती, बाकी सतगुरु मौला का कौन क्या कर सकता है, वो तो सब कर्ण करावनहार, पर हमेशा यही रहता था कि नहीं, जो बात वो कहते नहीं थे पहले बेपरवाजी ख्याल हमें दे देते थे, वो पूरी कर देते थे। तो बेपरवाजी सबको बुला के कहते, देखो एक मुरीद ऐसा होना चाहिए, हमने अभी बात कही नहीं और वो बात पहले पूरी हो गई। सो मुरीद ऐसा होना चाहिए, बेपरवाजी फरमाया करते। सो प्यारी सत्संग जियो, आप इस भंडारे पे आए, महापरोपकार दिवस पे आए हैं, जो भी सत्संग चल के आई है, जो भी आप आए बैठे हैं, तो मालिक आप भी बेंधा खुशियां बख्शे, परोपकार बख्शे, और आपके घरों में बरकतें आए, सुख शांति आए, मालिक से दुआ करते हैं, और भंडारों से बढ़ के आप मालिक के आपकी झोलियां भरे, दया में रहमत से नवाजे, माला माल करे। और शास्त्र जी की बेलफर फोर्स विंग का प्रसाद, शायद रात को सेवादार कह रहे थे कि हम हाथ खड़ा करना है, उन्होंने तो प्रसाद ले लिया, तो जो तोहफा कहते थे पिताजी आपको देंगे, अभी पर्ची आई है कि हाथ खड़ा करना चाहें, हम चाहते हैं कि ये भी तोहफा दें कि आप शास्त्र जी की बेलफर फोर्स विंग की वर्दी पहन के वो सेवा किया करें। तो जिन्होंने वर्दी नहीं पहनी और वो तोहफा हमें देना चाहते हैं एज ए मुरीद, ताकि वो मानवता की सेवा बढ़ चढ़ के किया करेंगे, वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने पहन रखा है उनका तो हो गया, जिन्होंने नहीं लिया वर्दी वो लें। सो जोर से नारा लगा दिया, और मालिक राज जो वचन हुए वो तमाम आप पे लागू, और बेइंतहा खुशियां मालिक बख्श। हाथ नीचे कर लें। तो आज भी हजारों की तादाद में सत्संगत इस सेवा के महायज्ञ में शामिल हो रही है, जिसमें भूकंप आता है तो उसमें से आदमी को कैसे बचाया जाए, पानी का जलजला आता है तो कैसे बचाया जाए, तो ये सारी ट्रेनिंग यहां दी जाती है। तो आज सत्संग तो उसमें बढ़ चढ़ के शामिल होती जा रही है। सो मालिक बेहद खुशियां दे, दया में रहमत से नवाजे। सो अब आपके लिए लंगर भोजन आएगा जी, लंगर भोजन लेना है, उसके बाद जैसा आपका जाने का ख्याल, समय के अनुसार आप जा सकते हैं, और जब तक आप घर नहीं पहुंचते, मालिक शत्रु से प्रार्थना विनती दुआ है, मालिक बढ़ चढ़ के दया में रहमत से माला माल करे, घरों में खुशियां दे, बरकतें दे, और दया में रहमत से माला माल करे जी। जी तो बहुत बहुत आशीर्वाद बेटा, सारी सत्संगत को बेहद खुशियां। और सत्संगत कई बार पूछती है, पिताजी अभी ये जो पर्ची कि इसमें आखिर कौन सी बेटी ने आपको ये सुझाव दिया, तो हमारी मंजली बेटी ने हमें ये जो सत्संगत को सुझाव दिया कि भाई ऐसा हमें करना चाहिए, पिताजी सब पे परोपकार करते हैं, क्यों ना हमें भी परोपकार करना चाहिए। तो ये आपको बताना था, क्योंकि हम कोई छुपा के नहीं रखते। सो मालिक बेहद खुशियां दे, बहुत बहुत आशीर्वाद जी आयानो, और बहुत बहुत स्वागत। बस थोड़ी देर बैठना है, लंगर भोजन लेना है, फिर जाने का ख्याल जा सके। जिनकी मस्तो मस्त रानी रूबरू नाइट है, वो ब्लाक वाले उसमें पहुंचेंगे, ये पूरा ध्यान रखना। सो आशीर्वाद, और वो कम से कम 7:30 बजे तक पहुंच जाए, ये ध्यान रखना है। आशीर्वाद। पक्की समितियों वाले सेवादार हैं, उनको प्रसाद अलग से दिया जाएगा, वो अलग से भी लेके जाएं, ये बड़ा तो लेना ही लेना, तो वो अलग से भी लेके जाना है जी। ही आसरा, सात संगत ने एक दो मिनट के लिए इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहना है जी।